गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सब लोग. हम लोग आज हमारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले. आज का टारगेट ये कि इस टॉपिक रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे कवर करने हैं आपके साथ, जो मुझे लगता है जिसकी वजह से आप मिस्टेक करते हो, तो वो मुझे आपके साथ मेनली कवर करना है. ठीक है, तो जो जो मैं बोलूंगा वो आप सब लिखते जाओगे और साथ साथ में आज क्लास में आंसर्स भी ज्यादा चाहिए. ठीक है सब लोग, और यहाँ पर जो ऑनलाइन है मेरे साथ, कमेंट्स सेक्शन में आपके कमेंट्स भी चाहिए मुझे आज. ठीक है, लेट्स बिगिन. कैपिटल बजटिंग ये एक बहुत ही बेहतरीन और मेरा फेवरेट टॉपिक है आपके पूरे सिलेबस में. ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग ये चैप्टर क्यों आया, क्योंकि एक फाइनेंस मैनेजर को क्या करना होता है, एक फाइनेंस मैनेजर को एक्चुअली सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट करना होता है. मतलब आपके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में कौन से एक्सपेंडिचर हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी मशीन ए मशीन बी, कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कौन सा रिजेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में ये टॉपिक है मेनली. तो मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डे टू डे ऑपरेशंस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. एंड ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बोला तो उसमें बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, वो इरिवर्सिबल इन नेचर होता है और उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है. अगर ये तीन चीजें है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, इरिवर्सिबल इन नेचर है और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना चाहिए, सोच समझ के ये डिसीजन मेकिंग करना चाहिए. सोच समझ के ये डिसीजन मेकिंग हमने करना चाहिए. तो फिर हमने क्या करना है, फिर इसके लिए कैपिटल बजटिंग टेक्निक यूज करना है. क्या करना है बोलो, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यूज करना है हमें. तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में हमारे पास कितने टेक्निक्स है, टोटल मिलाकर 7 टेक्निक्स है. ठीक है, बट स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक टेक्निक देखेंगे. सबसे पहला टेक्निक आता है आपके सामने, वो है पे बैक पीरियड. लिखिए वहां पर सबसे पहले टेक्निक्स, द वेरी फर्स्ट इज पे बैक पीरियड. Now what is payback period? Payback period मतलब मेरा दिया हुआ पैसा, मेरा लगाया हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट का मुझे कितने समय में वापस मिलेगा. क्या बोला मैंने, मेरा जो पैसा प्रोजेक्ट में लगा है, जिसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट. क्या बोलते हैं बोलो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो मुझे कितने सालों में वापस मिलेगा, कितने समय में मुझे वापस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज पे बैक पीरियड. सो पे बैक पीरियड के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. एक हो सकता है इवन कैश फ्लो वाला प्रोजेक्ट या मशीन, वॉट एवर प्रोजेक्ट हो सकता है, मशीन हो सकता है, जिसका कैश फ्लो क्या है, इवन है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवन कैश फ्लो, इक्वल कैश फ्लो. तो हर साल आने वाला कैश इनफ्लो सेम है, तो उस वक्त आप क्या करोगे, पे बैक पीरियड में उसमें क्या करोगे, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे. क्या फॉर्मूला रहेगा आपका पे बैक पीरियड का, बोलिए कोई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो. वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड पे बैक पीरियड का फॉर्मूला. पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो. क्या आपने ये फॉर्मूला याद किया, रट्टा मारा, नहीं ना, क्या किया फिर, एक एग्जाम्पल दिमाग में फिक्स किया, कोई भी एक एग्जाम्पल दिमाग में फिक्स कर लो. फॉर एग्जाम्पल, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जिसको 10 लाख रुपीज लग रहा है, हर साल कैश इनफ्लो उससे आ रहा है सपोज 2 लाख रुपीज फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स. हर साल कैश इनफ्लो आ रहा है 2 लाख रुपीज फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स. तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख का आपको कितने सालों में वापस मिल रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट 10 सालों 10 लाख का 5 इयर्स में आपको वापस मिल रहा है. क्यों, 2 लाख. तो क्या किया आपने, 2 प्लस 2 प्लस, ऐसा किया नहीं ना, क्या किया, डायरेक्टली इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख लिया डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो 2 लाख किया, तो नंबर ऑफ इयर्स आ गए 5. तो ये फॉर्मूला नहीं याद रखने का, इसका कोई भी एग्जाम्पल याद रखने का, समझ गए. नाउ कमिंग टू सेकेंड टाइप ऑफ कैश फ्लो, प्रोजेक्ट. कौन सा हो सकता है सेकेंड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, अगर फर्स्ट है इवन कैश फ्लो वाला, तो सेकेंड रहेगा अनइवन कैश फ्लो. व्हाट इज अनइवन, नॉट इक्वल, करेक्ट, अलग 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 ईयर में अलग अलग अमाउंट आएंगे आपके पास. तो अनइवन कैश फ्लो प्रोजेक्ट, अगर अनइवन कैश फ्लो है प्रोजेक्ट, तो उस केस में आपका कोई फॉर्मूला वर्कआउट नहीं होगा, लॉजिक वर्कआउट होगा. क्या लॉजिक से हम सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करते हैं. ठीक है, एग्जांपल सपोज आपके पास ईयर दिया है, आपके पास कैश फ्लो दिया है 1 2 3 4 5, 5 ही साल लगते हैं सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए, एंड आपके पास कैश फ्लो है 70,000 90,000 एंड
60,000, 70,000, 80,000. तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपको 5 सालों में ये अलग अलग कैश फ्लो दे रहा है. क्या ये इवन कैश फ्लो है? नहीं. तो अब यहां पर हम बोलेंगे नीचे इस प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट. Is 1,20,000. कितना है? 1,20,000. मतलब प्रोजेक्ट का कॉस्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 है. ठीक है, सब लोग हैं मेरे साथ? चलिए बताइए अभी आपका पे बैक पीरियड आप कैसे निकालोगे. अब आपको एड करना पड़ेगा. इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज. क्या बोलते हैं बोलो? क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज. तो कैश फ्लो के बाजू में क्या लिखेंगे? क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज. ठीक है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? डायरेक्टली ईयर वाइज कैश फ्लोज को एड करना होता है. तो 70,000 और ये बन गया 1,60,000. दैट्स इट. आगे बढ़ो भी मत. क्यों? क्योंकि 1,20,000 तो रिकवर हो गया ना. अब उसके बाद जो हो रहा है उसे हमें क्या लेना देना? हमें देखना है मेरा इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में मुझे वापस मिल रहा है. तो 1,60,000 एंड 70,000 इसके बीच मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कितने अमाउंट का? 1,20,000 का. तो 1,20,000 इन दो फिगर्स के बीच है. इसका मतलब मेरा पे बैक पीरियड जो है वो 1 and 2 years के बीच है. तो क्या मैं यहां तक का आंसर निकाल कर छोड़ दू? नहीं ना. क्या करना पड़ेगा? मुझे एग्जैक्ट पे बैक पीरियड निकालना पड़ेगा. तो मुझे एग्जैक्ट पे बैक पीरियड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कितना किया हमने, तो हम लिखेंगे 1,20,000 माइनस रिकवरी कितनी हो चुकी है फर्स्ट ईयर में? 70,000. एक्स्ट्रा रिकवरी कितनी बाकी है? कितना? 50,000. यस, ये मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी रिकवर दिख रहा है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, जितना मेरा इन्वेस्टमेंट था उसमें से लास्ट ईयर तक जितना रिकवर हुआ है वो लेस कर दिया. अब जो रिकवर करना बाकी है वो है 50,000. नेक्स्ट ईयर में कितना मिल रहा है? नेक्स्ट ईयर में कितना मिल रहा है? 90,000 मिल रहा है ना. अरे बराबर है कि नहीं? 1,60,000 नहीं मिल रहा है आपको? 1,60,000 तो क्यूमुलेटिव है. नेक्स्ट ईयर में 12 महीनों में कितना मिल रहा है आपको? 90,000. आपको कितना रिकवर करना था? 50,000. मिल कितना रहा है? 90,000. मैं बोलूंगा देयरफॉर पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 1 year प्लस टू बी रिकवर्ड है 50,000. नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है मुझे 90,000. Therefore, this comes to 1. कितना? 5 years. 1.55 years, friends. आया क्या आंसर? Yes. तरीका समझा? लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए. तो व्हाट डू वी डू इन पेबैक पीरियड अनइवन कैश फ्लो के केस में? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालते हैं. और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालने के बाद हम लोग देखते हैं कि लास्ट ईयर तक कितना रिकवर हुआ है और कितना रिकवर होना बाकी है. और फिर क्या करते हैं? अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर के 12 महीनों में अगर 90,000 मिल रहा है, मुझे चाहिए सिर्फ 50,000, तो 50/90 कर मेरा आंसर फ्रैक्शन में आएगा. बराबर है कि नहीं? आपको अगर डाउट है कि सर 90/50 करना चाहिए या 50/90, कंफ्यूजन होता है, तो बहुत सिंपल है भाई, फ्रैक्शनल अमाउंट निकालना पड़ेगा ना आपको, फ्रैक्शनल ईयर. समझा क्या? 90/50 करोगे तो 1 point something आंसर आएगा. तो ऑलरेडी 1 year है, प्लस 1 point something कैसे आंसर आ सकता है? इट शुड बी बिटवीन 1 and 2 ना. तो फ्रैक्शनल आंसर आना जरूरी है. मतलब क्या होता है? छोटा अमाउंट ऊपर, बड़ा अमाउंट नीचे आएगा. 12 महीने वाला अमाउंट नीचे आएगा एंड जो फ्रैक्शन अमाउंट हमें, जो हमें अमाउंट रिकवर करना है वो न्यूमरेटर में आएगा. तो ये रहा आपका पेबैक पीरियड. बोलिए, दो प्रोजेक्ट है सपोज. ये एक पहला प्रोजेक्ट है जिसका पेबैक 1.55 इयर्स है, दूसरा प्रोजेक्ट है जिसका पेबैक 2.44 इयर्स है. कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे आप? फर्स्ट वन वाला. क्योंकि मेरा पैसा जितने जल्दी मुझे रिकवर करके मिले उतना अच्छा है ना. जितना लेट मिलेगा उतना रिस्कीनेस बढ़ेगा, उतने रिटर्न्स भी कम रहेंगे ना. समझे कि नहीं? कोई भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त लेमन, एक कॉमन पर्सन क्या सोचता है? रिटर्न्स वगैरह सब जाने दो, बाद में देखते हैं, पहले मेरा जो पैसा मैं डाल रहा हूं वो कितनी जल्दी मुझे वापस मिलता है. तो ये वो प्राइमरी मेथड है, इसको बोलते हैं पे बैक पीरियड. कितने टाइप्स है इसको, इसके अंदर
दो टाइप है, इवन कैश फ्लो रहेगा तो फॉर्मूला यूज कर, और अगर अनइवन कैश फ्लो रहेगा तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मेथड यूज कर और फिर देख तेरा पेबैक पीरियड कहां पर आ रहा है। करेक्ट, ऑल डन। इसके अंदर दो ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक इसका क्या दिख रहा है आपको, टाइम वैल्यू ऑफ मनी टोटली धजिया उड़ा दिया इन्होंने। क्या किया, अलग अलग ईयर्स के कैश फ्लो को डायरेक्टली ऐड करना शुरू कर दिया, गड़बड़ है ना। यस, और दूसरा रिटर्न्स कंसीडर नहीं किए। क्या किया, जब तक पैसा रिकवर हो रहा है तब तक ये देखा, बाद में कुछ देखा ही नहीं। कह रहे इसे पोस्ट पेबैक कैश फ्लो को छोड़ दिया, रिटर्न्स नहीं देखा मतलब क्या, पोस्ट पेबैक कैश फ्लो को छोड़ दिया। सेकंड ईयर के बाद में थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर भी तो थे, उसमें अगर नंबर्स करोड़ में रहते तो भी आंसर आपका 1.55 ईयर्स ही आता, और अगर वहां पर नंबर 10, 20 और 30 रुपए रहता तो भी आपका आंसर 1.55 ही आता। अब आप इमेजिन कर लो, इस ये प्रोजेक्ट का आपका पेबैक आ रहा है 1.55 ईयर्स, दूसरा प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर आंसर है आपका सपोज 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट ईयर में 1,20,000 रिकवर है, और उसके बाद सेकंड ईयर में 2 रुपीज है, थर्ड ईयर में 3 रुपीज है, फोर्थ ईयर में 4 रुपीज है, फिफ्थ ईयर में 5 रुपीज है। आपका पेबैक पीरियड वहां पर कौन सा आएगा, 1 ईयर। और आप क्या बोलोगे, पेबैक पीरियड मेथड बोलता है जिसका पेबैक कम है उसको सिलेक्ट कर, 1 ईयर शुड बी सिलेक्टेड। अगर मैं सिर्फ पेबैक मेथड को स्टिक करूं तो 1 ईयर विल बी सिलेक्टेड, बट डू यू थिंक यू हैव सिलेक्टेड द राइट प्रोजेक्ट, नो, यू हैव इग्नोर्ड, पेबैक पीरियड हैज इग्नोर्ड पोस्ट पेबैक कैश फ्लो। तो दो बड़े ड्रॉबैक समझे, पहला टाइम वैल्यू ऑफ मनी छोड़ दिया, और दूसरा पोस्ट पेबैक कैश फ्लो भी छोड़ दिए, राइट। तो फिर पहला ड्रॉबैक हटाने के लिए यहां पर हमारे पास मेथड टू है। मेथड टू का नाम है, नाम से ही समझ जाएगा आपको, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर किया है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अब जब मैं बोल रहा हूं डिस्काउंटेड मतलब क्या हुआ, फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू पे लाया रहेगा, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया है। चलिए इसके अंदर एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करते हैं, हर जगह नंबर्स वही रखेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा बताइए, 1,20,000। लेफ्ट हैंड से शुरू कीजिए, ईयर वाइज पहले कैश फ्लो दिए रहेंगे क्वेश्चन में, 1, 2, 3, 4, 5 बोलिए क्या क्या अमाउंट्स थे, 70,000, 90,000, 60,000, 70,000, 80,000। इन कैश फ्लोज को अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है तो मुझे क्या चाहिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा वर्डिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, मतलब ही वो मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर है। कंपनी रिक्वायर्स अ रिटर्न ऑफ 10%, मतलब ही वो मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर यहां पर लेंगे सपोज 10%, सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए 10% लिया जाता है, 10% कोई रूल नहीं है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अभी कैश फ्लो के बाजू में क्या किया, डिस्काउंटिंग फैक्टर किया, डीसीएफ। डीसीएफ स्टैंड फॉर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, मतलब प्रेजेंट वैल्यू। एक बार डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ गया तो उसको क्यूमुलेटिव किया अपन ने फिर, ठीक है। चलो सॉल्व करो, फर्स्ट ईयर 1 / 1.1 कम्स टू 909090, मतलब 9091 पॉइंट। सेकेंड ईयर में इज इक्वल टू दी के पास 0.8264, थर्ड ईयर में 0.7513, फोर्थ टाइम इज इक्वल टू 0.680 6830 एंड लास्ट 0.6209, राइट। यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलो स्टार्ट करो, कैलकुलेशंस करते हैं, मजा आएगा। यस, डीसीएफ निकालो, फर्स्ट ईयर में आंसर 63637 आया, सेकेंड ईयर में कितना आता है 74376, थर्ड ईयर में, अच्छा थर्ड ईयर में जाओ ही मत, रुको, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का टोटल लो, 63637 प्लस 74376 1,38,013। बस रुक जाओ इधर ही, क्यों मेहनत कर रहे हो ना, क्यों मेहनत कर रहे हो, मतलब ऑलरेडी रिकवर हो गया हमारा कॉस्ट। तो फिर हमारा पेबैक पीरियड बिटवीन दिस टू नंबर्स दिख रहा है मुझे, 1,20,000 ये दो नंबर के बीच है, मतलब मेरा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड 1 और 2 ईयर्स के बीच आ रहा है। फिर से एक बार
अब मैं नीचे का कैलकुलेशन करके क्या तो कर लेता था, कुछ भी फर्क नहीं करेगा मुझे, राइट right? इसलिए मैंने कैलकुलेशंस नहीं किए नीचे के। अब मैं बोलूंगा देयरफॉर इन्वेस्टमेंट कितना किया बताओ, 1,20,000। रिकवर कितना हुआ है लास्ट ईयर तक, 63637। कितना रिकवर करना बाकी है, 56363, 56363। है क्या, चेक कर लो एक बार सब लोग। एंड ये रिकवर करने के लिए नेक्स्ट ईयर में कितना पैसा मिल रहा है, 90,000 या 74376? यस 74376 लेना है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर नहीं करना है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 1 ईयर प्लस 56363 डिवाइडेड बाय 74376 एंड योर आंसर इज 1.76 ईयर्स। अलग का उत्तर, समझा क्या कैसे किया, कुछ नहीं था लास्ट टाइम जो किया था वही इस बार भी किया, सिर्फ जो कैश फ्लो के साथ किया था वो डीसीएफ के साथ किया। नॉर्मल कैश फ्लो की जगह डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे अराइव करने के लिए क्या करना पड़ता है, नॉर्मल कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर डीसीएफ निकालना पड़ता है। यस 1.76 ईयर्स आ रहा है सबका आंसर, वंडरफुल। तो ये था आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ये मेथड और पे बैक पीरियड मेथड बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया है, वहां पर नहीं किया है। यहां पर भी पे बैक पीरियड के बाद के कैश फ्लोज को इग्नोर किया गया, वहां पर भी किया गया था। इसका मतलब यह है ये मेथड में दोनों ड्रॉबैक नहीं हटे, एक ही ड्रॉबैक हटा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर लिया गया, बट पोस्ट पे बैक कैश फ्लोज अभी भी क्या दिख रहे, देखो अनकंसिडर्ड, बराबर। तो फिर अब क्या करना पड़ेगा, तीसरे मेथड पर जाना पड़ेगा। अच्छा इस मेथड में मुझे बताइए, सपोज इसके वर्सेस एक और प्रोजेक्ट है जिसका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड 2.58 इयर्स है, किसको सिलेक्ट करेंगे आप, फर्स्ट वन को सिलेक्ट करेंगे फिर से। यस, मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्ट विथ लेसर पेबैक या डिस्काउंटेड पेबैक शुड ऑलवेज बी सिलेक्टेड, करेक्ट। यस, थर्ड मेथड पे आइए, लिखिए वहां पर क्या है थर्ड मेथड, याद है रेसिप्रोकल पे बैक, रेसिप्रोकल पे बैक, पे बैक रेसिप्रोकल भी बोलते हैं इसको, पे बैक का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। तो रेसिप्रोकल में आपको याद है क्या, एक फॉर्मूला यूज किया था आपने, सॉरी पे बैक में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय एनुअल कैश फ्लो, उस फॉर्मूले में हमें तीन चेंजेस करने, कितने, तीन। पहला चेंज है उसको इन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। दूसरा, ये जो तुमने वर्ड यूज किया है एनुअल कैश फ्लो, इसको बना दो एवरेज एनुअल कैश फ्लो। और लास्ट चेंज, लास्ट में इनटू 100 डाल दो, क्या बोला बोलो एक बार, इन्वर्स कर दो, एवरेज वर्ड डाल दो एनुअल कैश फ्लो के आगे, इनटू 100 कर दो लास्ट में। तो फिर मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट में इनटू 100, लास्ट में इनटू 100 आया। तो ये है आपका पे बैक रेसिप्रोकल, पे बैक पीरियड में जो फॉर्मूला था उसका, उसके अंदर तीन चेंजेस किए गए, एक तो उसको रेसिप्रोकल किया, दूसरा ये वर्ड डाल दिया एवरेज, और लास्ट में इनटू 100 कर दिया, ठीक है। तो अब ये एवरेज एनुअल कैश फ्लो कैसे निकलता है, सभी कैश फ्लोज को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, करेक्ट। तो लिखो वहां पर वेयर एवरेज एनुअल कैश फ्लो इज इक्वल टू टोटल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, टोटल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। Take the total of your cash flow in the example 370,000 divided by number of years are 5 years. Your answer for average cash flow comes to 74,000.
तो कैन आई यूज द फॉर्मूला नाउ, रेसिप्रोकल पे बैक इज इक्वल टू 74,000 अपॉन 120,000 इंटू 100। डोंट वरी, कुछ बातें आपको नहीं समझी होगी तो आप आंसर के इंटरप्रिटेशन के वक्त समझ जाएगी। 74,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 कितना आता है? 61.67%। 61.67% आया क्या सबका आंसर? ये क्या लॉजिक है इसका भी, क्यों ऐसा किया हमने, जरा अच्छे से देख के बताओ। सभी इयर्स का इफेक्ट ले सके इसलिए ऐसा किया हमने। वहां क्या ड्रॉबैक था, पोस्ट पेबैक कैश फ्लोज आर इग्नोर्ड, तो हमने यहां पर इग्नोर किया क्या उसको? कैसे नहीं किया, आपने लिया टोटल ऑफ ऑल द कैश फ्लोज और फिर उसको बना दिया डिवाइड बाय 5 करके एवरेज। मतलब कहने से ऑल इयर्स कैश फ्लोज आर कंसिडर्ड, यस। दूसरी बात, ये क्या कर रहे हो आप, इंटू 100 क्यों किया? परसेंटेज निकालने के लिए। और ये 61.67 ये क्या है? ये है हमारा एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। क्या है ये हमारा एनुअल रेट ऑफ रिटर्न? क्योंकि न्यूमरेटर अच्छे से देख लो, आपने लिया है वहां पर एवरेज एनुअल कैश फ्लो और डिनोमिनेटर में रखा है आपने इन्वेस्टमेंट, लास्ट में किया इंटू 100, इसका मतलब आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको एनुअली कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है आपने वो निकाला। समझा क्या? तो जितना रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा है ना, और जितना ये रेट ऑफ रिटर्न कम रहेगा उतना हम प्रोजेक्ट को ना पसंद करेंगे। बिटवीन टू प्रोजेक्ट्स सिलेक्ट द प्रोजेक्ट विद डैश पे रेसिप्रोकल पे बैक, हायर रेसिप्रोकल पे बैक। आई बात समझ में एवरीवन? अच्छा, अभी भी इसमें एक ड्रॉबैक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने इग्नोर कर दिया। मतलब एक कहीं जाके सुधरे तो दूसरी जगह फिर बिगड़ गए, दोनों ड्रॉबैक तो हटाए नहीं आपने। पहली जगह आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर किया तो पोस्ट पे बैक कैश फ्लो इग्नोर किया, यहां पे पोस्ट पे बैक कैश फ्लो सभी कैश फ्लो कंसिडर हो रहे हैं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी फिर से इग्नोर हो रहा है। समझे? तो फिर ये फॉर्मूले का लॉजिक समझ गए आपको? बिटवीन टू प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा? हायर रेसिप्रोकल पे बैक का प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा। अंडरस्टूड? यस। नाउ कमिंग टू फोर्थ टेक्निक विच इज कॉल्ड एज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। इसके अंदर तीन मेथड आते हैं। कौन से तीन मेथड आते हैं? एनपीवी, पीआई, आईआरआर। एनपीवी, पीआई, आईआरआर, तो ये एक्चुअली चौथा, पांचवा और छठा मेथड है आपके लिए। फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ मेथड है ये। एनपीवी मेथड, पीआई मेथड, आईआरआर मेथड। व्हाट इज एनपीवी? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो लिखते हैं एक एक कर। फोर्थ का ए पार्ट, फोर्थ का जो ए पार्ट है वो रहेगा एनपीवी मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ओके, आया समझ में यहां तक? एनी डाउट? एनपीवी मेथड में सेम एग्जांपल लेकर ट्राई करोगे आप लोग? एनपीवी मेथड सेम एग्जांपल लेकर ट्राई करोगे? व्हाट इज एनपीवी? नेट प्रेजेंट वैल्यू ना, ट्राई करो। चलो तो ट्राई कर रहे हो सब लोग? योर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10% एग्जांपल के लिए सेम एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे एंड ईसीएफ। हर बार एनपीवी मेथड में ईयर जीरो से शुरू होता है। ईयर कहां से शुरू होता है? जीरो। बट लिया नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, आप एंड में भी ले सकते हो, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। जीरो ईयर में आपका आउटफ्लो कितने का है? 120,000 का आउटफ्लो है, बराबर। फिर फर्स्ट ईयर में आपका इनफ्लो कितने का है? 70,000 का। सेकेंड ईयर में 90,000, बाद में 60,000, बाद में 70,000, लास्ट में 80,000। तो जीरो ईयर का फैक्टर क्या होता है? वन होता है। हर बार गड़बड़ में काफी बार हम यहां पे फर्स्ट ईयर का फैक्टर लिख देते हैं, बी केयरफुल, कॉमन मिस्टेक है ये। ओके, और फिर फर्स्ट ईयर का फैक्टर आपका 0.9091, सेकेंड ईयर का 0.8264, थर्ड ईयर का 0.7513, बाद में 0.6,
830 लास्ट में पॉइंट 6209। जब आप ये सभी फैक्टर्स लोगे और ये जो कैश फ्लोज हैं, इन कैश फ्लोज को इन फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू। तो जैसे कि ये आ गया 120,000 का आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, वैसे ही सेम यहां पे आ गया 6367, नीचे 7476 45 07 8 47 8 10 49 6 7 4 आया। तो आपको क्या करना पड़ेगा मानो, में इन सभी को एड अप करना पड़ेगा और माइनस ये करना पड़ेगा। तो पहले इन सभी को एड अप करो, टू लैख 80,000 585, इसमें से माइनस करेंगे 1,20,000, तो हमारा आंसर आएगा 1,60,575। आया क्या सबका आंसर? ये 1,60,575, यस, काफी लोगों का आंसर मैच है। तो ये जो आंसर है ये आपका क्या है, एनपीवी वाला आंसर है। ये एनपीवी वाला आंसर का लॉजिक क्या होता है, व्हाट इज दिस एनपीवी 1,60,000 समथिंग। इफ आई टुडे इन्वेस्ट 1,20,000 इन दिस प्रोजेक्ट, इन टुडेज वैल्यू आई विल गेट एक्स्ट्रा कैश फ्लो ऑफ 1,60,575। माइंड माई वर्डिंग्स, आई हैव नॉट यूज्ड द वर्ड प्रॉफिट, रिटर्न्स, नथिंग, बिकॉज ये कैश फ्लो वाला अमाउंट है हम जो ले रहे हैं। ये सभी कैश फ्लो कैश फ्लो कैश फ्लो के फिगर है, तो ऐसा बोलने का नहीं कि प्रॉफिट हो रहा है। वी हेट द वर्ड प्रॉफिट इन कैपिटल बजटिंग, अंडरस्टूड? यस। नाउ ये आपका एनपीवी आ गया, आपका एनपीवी पॉजिटिव है, आप बोलोगे वी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, बिकॉज जितना आप डाल रहे हो उससे ज्यादा आपको मिल रहा है आज की घड़ी में, आज के वैल्यू में, तो आप बोलोगे डेफिनेटली हमने इन्वेस्ट करना चाहिए, बराबर है कि नहीं? यस। एंड अगर ये एनपीवी पॉजिटिव है तो इसका एक और कंक्लूजन निकल सकता है, और वो कंक्लूजन ये है कि दिस प्रोजेक्ट इज गिविंग अस रिटर्न्स मोर देन 10%। दिस प्रोजेक्ट इज गिविंग अस रिटर्न्स मोर देन 10%, क्योंकि 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर पर ये एक्स्ट्रा एनपीवी आपका, मतलब ही ये प्रोजेक्ट आपको क्या कर रहा है, 10% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, समझे कि नहीं? तो फिर शुड वी इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट? यस। अगर ये एनपीवी निगेटिव आता है तो ये प्रोजेक्ट हमें 10% से कम रिटर्न्स दे रहा है, और अगर एग्जैक्ट जीरो आता तो एग्जैक्ट 10% रिटर्न देता, समझ गए? इफ एनपीवी इज पॉजिटिव एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, इफ एनपीवी इज निगेटिव रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। सर व्हाट इफ एनपीवी इज जीरो? एक्सेप्ट इट। क्यों एक्सेप्ट इट? बिकॉज एग्जैक्ट 10% रिटर्न तो आ रहा है ना, और तुझे कितना चाहिए था रिटर्न? 10% चाहिए था, तुझे एग्जैक्ट मिल रहा है, ले ले, समझे? सो आंसर करेक्ट आया सबका? चलिए, तो बिटवीन टू प्रोजेक्ट किसको सिलेक्ट करेंगे, जिसका एनपीवी ज्यादा हायर पॉजिटिव है। अगर दो प्रोजेक्ट है जिसमें से एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है तो क्या होगा, क्या होगा? जिसका पॉजिटिव है वो एक्सेप्ट होगा, दोनों पॉजिटिव है तो किसको एक्सेप्ट करेंगे, जिसका हायर पॉजिटिव ज्यादा है, हायर पॉजिटिव है उसको एक्सेप्ट करेंगे, करेक्ट? कम ऑन, अब आते हैं पीआई मेथड पर। फोर्थ में ही बी मेथड है, मतलब ये नंबर चला गया अभी 5 नंबर का टेक्निक, और इसका नाम है पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई ऑब्लिक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई ऑब्लिक, इसको ही एक और नाम है डिजायरेबिलिटी फैक्टर मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिजायरेबिलिटी फैक्टर मेथड। डिजायरेबिलिटी फैक्टर मेथड। अब पीआई का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। व्हाट इज इनफ्लो का आंसर? इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कितना है? इनफ्लो 2,80,575। Can you see on the screen?
इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कितना है 2,80,575, आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कितना है 1,20,000, तो 2,80,575 डिवाइडेड बाय 1,20,000 एंड योर पीआई कम्स टू 2.34 टाइम्स, बोलो 2.34 टाइम्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पीआई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आंसर पीआई 2.34. Every 1 rupee invested in this project in today's time, in today's value, it is giving us 2 rupee 34 paise. क्या बोलो बोलो? Every 1 rupee invested in this project today, in today's value, we are getting 2 rupee 34 paise. मतलब ऐसा है कि तुम मुझे 1 rupee दे रहे हो और आज ही दे रहे हो और मैं आज ही तुमको 2 rupee 34 दे रहा हूं. चाहिए क्या आपको फिर ऐसा डील? Yes. तो इसका मतलब क्या हुआ? PI greater than 1 रहेगा, एक्सेप्ट कर ले. पी आई लेस देन 1 रहेगा तो रिजेक्ट कर ले, बिकॉज आज की घड़ी में 1 रुपी दे रहे हो आप और मैं आपको बोल रहा हूं ठीक है 85 पैसे ले लो, चलेगा क्या आपको? नहीं ना. तो इसका मतलब क्या हुआ? पी आई लेस देन 1 रहेगा, रिजेक्ट. पी आई 1 या 1 से ज्यादा रहेगा तो एक्सेप्ट. बिटवीन टू प्रोजेक्ट जिसका पी आई हायर रहेगा उसे हम एक्सेप्ट करेंगे. सपोज इसी के वर्सेस दूसरा प्रोजेक्ट है जिसका पी आई 1.8 टाइम्स है. 1.8 भी कम नहीं होता है, मगर 2.34 मिल रहा है ना, फिर हम 2.34 को ही सिलेक्ट करेंगे ना. 1 रुपी इन्वेस्ट करके 2.34 मिला तो ज्यादा अच्छा है. समझे क्या? सो हम क्या बोलेंगे बोलो? बिटवीन टू प्रोजेक्ट सिलेक्ट द प्रोजेक्ट विथ हायर पी आई, करेक्ट. एंड अगर सिंगल प्रोजेक्ट रहेगा तो सिलेक्ट द प्रोजेक्ट इफ पी आई इज 1 या ग्रेटर देन 1, ठीक है? क्योंकि एवरी मतलब यू आर इन्वेस्टिंग 1 रुपी, इन टूडेज वैल्यू आर गेटिंग 1 रुपी, मतलब आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है. डिस्काउंटेड कैश फ्लो है ना ये, वैसे भी प्रेजेंट वैल्यू है ना ये, तो समझे क्या? पी आई 1 है मतलब ही एनपीवी 0 है, वो आपको समझेगा अभी 2 मिनट. तो ये रहा आपका पी आई का लॉजिक. पी आई का एक और फॉर्मूला बन सकता है, पी आई इज इक्वल टू, इधर जगह नहीं, मैं नीचे लिख देता हूं. और पी आई इज इक्वल टू, याद है क्या? एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट. तो फिर एनपीवी कितना था आपका बताइए? 1,60,575 प्लस इन्वेस्टमेंट कितना था 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000. यस और नो? तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लिखने की जगह ये लिख सकते हैं ना, एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. अरे भाई ये जो टोटल लिया ना तुमने 2,80,575, इसके जगह अगर मैं ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ये एनपीवी ऐड कर दूंगा तो भी आंसर वही आएगा ना, क्योंकि वो टोटल में से ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेस कर ही तो एनपीवी मिलता है. तो एनपीवी में अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिलेगा. एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश. आउटफ्लो की जगह क्या लिखा है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आज का प्रेजेंट वैल्यू तो होता है, वैसे भी आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू यही होता है ना. आज का 1,20,000 आज का कितना है? 1,20,000 है. तो फिर मेरा आंसर यहां पर भी 2.34 टाइम्स ही आ रहा है, करेक्ट. नाउ कमिंग टू लास्ट मेथड. लास्ट मेथड कौन सा है हमारा? IRR मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड. IRR मेथड क्या बोलते हैं आपको? जितना रिटर्न एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट देगा उसको IRR बुलाएंगे. जितना रिटर्न एग्जैक्ट देगा ये प्रोजेक्ट उसको हम लोग IRR बुलाते हैं. तो IRR रेट पर क्या होता है एग्जैक्टली? ध्यान से सुनो. योर कैश फ्लो, सपोज के जैसे ये ईयर 0 है और आपका आउटफ्लो 1,20,000 है. 1, 2, 3, 4, 5 पांच साल का प्रोजेक्ट था. फर्स्ट ईयर में 70, सेकेंड ईयर में 90,000, थर्ड ईयर में 60,000, नेक्स्ट ईयर में 70,000, लास्ट ईयर में 80,000. ये आपके कैश फ्लोस थे. आपका ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये एग्जैक्ट कितना रिटर्न दे रहा है उसी को IRR बोलते हैं, कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये प्रोजेक्ट आपका एग्जैक्ट कितना रेट ऑफ रिटर्न देगा कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसी को बोलते हैं IRR.
तो एग्जैक्ट रेट कितना देगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे ट्रायल एरर बेसिस पर अलग अलग रेट से डिस्काउंट करके देखना पड़ता है। ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर लाओ जिस पे एनपीवी जीरो आ जाए। कितना आ जाए? जीरो। व्हाट डज जीरो एनपीवी इंडिकेट्स? कि वो प्रोजेक्ट उतना एग्जैक्ट रिटर्न दे रहा है। अभी तो डिस्कस किया था अपने। तो फिर अभी 10% पे तो आपका बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर आ रहा है। 10% अगर लिया तो पॉजिटिव नंबर कितना आ रहा है? 1,60,000। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किया उससे ज्यादा आ रहा है। तो फिर आपका रिटर्न फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट 10% तो नहीं है। क्या लगता है 12-15 रहेगा क्या? 20-25-30 के आसपास रहेगा शायद। मैं आपके साथ ही नंबर्स बना रहा हूं, ये कोई स्क्रिप्टेड आंसर नहीं है मेरा। घर से याद करके नहीं आता मैं नंबर्स को और यहां पे बोलता हूं, ऐसा नहीं है, ये आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो ये नंबर्स देखकर मुझे अंदाजा आ रहा है और आपको भी आ ही गया रहेगा कि एनपीवी अगर इतना बड़ा नंबर दिख रहा है तो मुझे 12-15 पे तो जाना नहीं है, 20 पे जाना नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा? 25 या 30 पर जाना पड़ेगा। तो ट्रायल एरर से अपन 30 से जाते पहले शुरुआत कर लेते, तो 30% ले लेते डायरेक्टली डिस्काउंटिंग फैक्टर 30%। ये क्या कर रहे हैं अपन लोग मानो में? एक ऐसा रेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसपे एनपीवी जीरो आ जाए। डीसीएफ फर्स्ट ईयर का फैक्टर, जीरो ईयर का फैक्टर 1.7692 5। व्हाट इज दैट? 5917। सेकेंड ईयर का फैक्टर ना 0.5917। थर्ड ईयर का 0.4551। नेक्स्ट ईयर 3501। नेक्स्ट ईयर का 2693। इसका एनपीवी निकालो। यस, ट्रायल एंड एरर मेथड। और वो 30% कहां से आया? अंदाजे से आया। मैं कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मुझे कितना 10% पर पॉजिटिव नंबर मिला, ये देखकर मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे कितना आगे जाना है। पॉजिटिव 60,454। सब लोग सॉल्व करके देखो। 60,454 आ रहा है क्या? यहां पे तो कोई आंसर दे रहा है 53,280। ये करेक्ट है? 60,460। ठीक है, बाकी सबका आंसर बताओ ना एक बार, क्या है? 60,460 आ रहा है, तो 460 लेते फिर अपन। ओके, अब इसको देखकर क्या लगता है आपको? डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या करना पड़ेगा? 40 पर ले जाए क्या? 40 पर ले जाए कि 45? तुम करके देखा क्या? करके देखो एक बार, करके देख लो एक बार, आंसर कहां पे आ रहा है? यस कुछ लोग 35 से सॉल्व कर रहे हो, कुछ लोग 40 से सॉल्व कर रहे हो यहां पर आपके पास, आपके बीच, तो हमें एग्जैक्ट समझेगा क्या होगा। बोलिए, 40 से करने के बाद में भी पॉजिटिव आ रहा है? बाप रे, कितना पॉजिटिव है? 30,000 का पॉजिटिव नंबर है। 50% भी जाना पड़ेगा अपने को?
चलो 50 से सॉल्व करते हैं साथ में. डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 50% एंड डीसीएफ. आप कैलसी पर करो तो ही बेटर है, आपके पास जगह कम है. फिफ्टी परसेंट आई थिंक यहां पे तो निगेटिव आना चाहिए एटलीस्ट. फिफ्टी पर ना, हाँ कितना आ रहा है? 8,804 पॉजिटिव है, तो फिर हमारा स्टार्ट रेट रहेगा ये बन गया हमारा स्टार्ट रेट, और ये बन गया हमारा क्या सरप्लस. अब हमको एंड रेट लेना है. एंड रेट 60 ले लो, 60 ले लो, 6060 65 मुझे लगता जरूरत गिरेगी, 60 पे आ जाएगा. डिस्काउंटिंग फैक्टर 60% एंड लास्ट कॉलम डीसीएफ. निगेटिव, हाँ गुड. निगेटिव 8,000 136 ये हमारा सरप्लस है, और दूसरा वाला नंबर हमारा डेफिसिट है, और 50% हमारा स्टार्ट रेट है और 60% हमारा एंड रेट है. सही जा रहे हो क्या? यस गुड वन एवरीबडी सॉल्विंग. एंड ये आंसर्स देखने के बाद तो एटलीस्ट आपको भरोसा हो गया रहेगा कि मेरा स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस नहीं होते. यहां तक आगे बढ़ने की इच्छा सपने में भी किसी को नहीं होगी. ठीक है, तो हमारा आईआरआर किसके किसके बीच है? 50 और 60 के बीच है. ये नंबर्स देखकर मुझे लग रहा है कि 55 के आसपास है, क्योंकि आपका जितना पॉजिटिव नंबर आया है लगभग नेगेटिव नंबर भी उतना ही आया है. समझे क्या? चलो स्टार्ट करो, फॉर्मूला यूज करो और आंसर निकाल सकते हैं. लॉजिक में नहीं जाएंगे अभी, जाने दो, अपने पास वक्त कम है. ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे IRR इज इक्वल टू, बताइए, स्टार्ट रेट प्लस सरप्लस अपॉन सरप्लस प्लस डेफिसिट इनटू डिफरेंस इन रेट. तो बॉस ये जो आपको फॉर्मूला, ये सिलेबस में दो जगह यूज हो रहा है, एक तो IRR और एक YTM में यूज हो रहा है. ठीक है, तो स्टार्ट रेट कितना लिया जाएगा? 50, सरप्लस रहेगा 8804, सरप्लस 8804 प्लस डेफिसिट 8136 इनटू डिफरेंस इन रेट इज 10, 55.19% का आपका IRR आता है. What is exactly the meaning of IRR 55%? This project is giving us exact return of 55.19%. Therefore, the IRR is the NPV is zero. When I say 55.19 per NPV zero आ रहा है, मतलब क्या हुआ? ना मुझे 55.19 से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, ना मुझे 55.19 से कम रिटर्न मिल रहा है. मतलब ये प्रोजेक्ट मुझे एग्जैक्ट रिटर्न कितना दे रहा है? 55.19. IRR का मीनिंग क्या होता है?
द एग्जैक्ट रेट ऑफ रिटर्न गिवन बाय द प्रोजेक्ट. इसका मतलब इस प्रोजेक्ट का आईआरआर कितना है, 55.19. समझ गए क्या? यस. नाउ ये था आपका आईआरआर मेथड. ये मेथड अपने सीक्वेंस में देखा जाए तो सिक्स्थ नंबर का मेथड था, सिक्स्थ, करेक्ट. अब लास्ट मेथड बचता है जो कि बहुत ही होपलेस है, तो अब वो नहीं देखे तो भी चलेगा. एआरआर मेथड है, आप बुक में, नोट्स में, फॉर्मुला बुक में वगैरह देख लेना, बहुत बकवास है. उस पर आज तक कभी इंस्टीट्यूट ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, आगे एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि कोई पूछ भी सकता है बोलकर, ठीक है. आज तक कभी नहीं आया. और वो इतना ज्यादा बकवास, या मैं इतना हेट उसको इसलिए करता हूं बिकॉज उसके फॉर्मुला भी कॉपी है, एक्चुअली रेसिप्रोकल पेबैक का ही कॉपी है. और दूसरा उसको और वर्स्ट बनाया उन्होंने, रेसिप्रोकल पेबैक को और वर्स्ट बनाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने क्या वर्ड यूज कर दिया, प्रॉफिट. एआरआर मेथड में वर्ड क्या है, प्रॉफिट. उसका फॉर्मूला क्या बनाना है आपको, सेम रेसिप्रोकल पेबैक का ही फॉर्मूला है. चाहिए तो रेसिप्रोकल पेबैक ओपन करो, जो अभी अभी अपन ने बोला, एवरेज एनुअल प्रॉफिट बोला उन्होंने, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बुलाया, लास्ट में इनटू 100. तो ये बन गया आपका एआरआर. फिर लोगों ने बोला ये तो कॉपी है, फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक और फॉर्मूला है हमारे पास. फिर और कंफ्यूज किया लोगों को उन्होंने. फिर फॉर्मूला क्या बनाया उन्होंने, एआरआर इज इक्वल टू अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, दो नाम है इसके, इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100. क्या वर्ड यूज किया, एवरेज इन्वेस्टमेंट. फिर इन लोगों ने पूछा एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या है, फिर उसके भी उन्होंने दो फॉर्मुलेस दिए. तो भाई आप देख लो एक बार, जो भी रहेगा चार्ट बुक में से. ओके, एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए भी दो फॉर्मुलेस है फिर. एंड नाउ वी आर डन विद ऑल द मेथड्स. नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस. बोलिए आईआरआर के तक, सपोज आपके पास दो प्रोजेक्ट है, एक का आईआरआर 55% है, दूसरे का 35, किसको एक्सेप्ट करेंगे, जिसका 55% आईआरआर है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आपको ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है तो ऑब्वियसली वो अच्छा है. सपोज आपके पास एक ही प्रोजेक्ट है जिसका आईआरआर 24% है, एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे, डिपेंड करता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहां पर है, आपका केओ कहां पर है. अगर आपका केओ 10% पर है तो 24% वाले प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, 24%, जबकि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है. तो पैसा आ कितने रेट से रहा है, 10% से. इन्वेस्ट होकर कितने रेट से ग्रो होगा, 24% से. बेटर है ना, गुड ना, यस. तो आईआरआर कभी भी सिंगल प्रोजेक्ट रहेगा तो कट ऑफ रेट के साथ कंपेयर किया जाता है. व्हाट इज कट ऑफ रेट, योर मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज कॉल्ड एज कट ऑफ रेट, विच इज नथिंग बट योर वैक, योर क्यू. मैं बोलता हूं मुझे कंपनी में कम से कम 12% का रिटर्न चाहिए, इसका मतलब ही मेरी कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है. इसी का दूसरा नाम क्या है, कट ऑफ रेट. कट ऑफ रेट एक ऐसा रेट होता है उसके नीचे के प्रोजेक्ट्स आप रिजेक्ट कर देते हो, उसके ऊपर के ही रिटर्न्स वाले प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट करते हो. समझ गया? तो ये सभी 6 मेथड्स हमने कवर किए. अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. देखिए ध्यान से सुनिए, और आज का क्लास 10 मिनट में एंड करेंगे हम लोग, ठीक है. अभी 10 मिनट जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनोगे, पूरा क्वेश्चनर बुक के जितने भी क्वेश्चन है सब सॉल्व करोगे आप, और कल उस पर डिस्कशन होगा, ठीक है. तो मैंने जो कॉन्सेप्ट देने थे सब दे दिए, और उसके बाद आप आपका प्रैक्टिस करोगे, जो डिफिकल्टीज आएंगे उसको हम कल सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले प्रॉफिट में और कैश फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, यस और नो? यस, ऑफकोर्स देयर इज अ डिफरेंस. प्रॉफिट से कैश फ्लो क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली? इधर सभी एक्सपेंसेस कंसिडर किए, सभी इनकम कंसिडर किया, भले ही वो कैश हो या नॉन कैश हो. इधर सिर्फ कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो. एक्सपेंस अगर रहेगा मगर वो आउटफ्लो नहीं है तो उसे कंसिडर नहीं किया. मैं आपको ये ब्रॉड पिक्चर बता रहा था, अब मैं आपको मेथड बताता हूं, सीएफएटी कैलकुलेशन के मेथड. सबसे पहले सीएफएटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू गो फ्रॉम लाइक इनफ्लो आउटफ्लो का इंफॉर्मेशन अगर आपके पास रहेगा सपोज, तो पहले जो भी इनफ्लो दिए रहेंगे वो ले लो, प्लस और कोई इनफ्लो का आइटम दिया रहेगा तो वो ले लो, सेविंग वगैरह. ये आ गया आपका टोटल इनफ्लो, यस और नो? माइनस करेंगे कैश आउटफ्लो आइटम्स को. चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिखा के देता हूं मैं आपको, ध्यान दो. इनकम बुलाओ, चलो इनकम एड एनी अदर इनकम. आप समझा, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उससे इनकम आ रहा है,
और कोई इनकम है स्क्रैप वगैरह से वगैरह कुछ भी, तो वो सब ले लिया, सेविंग वगैरह हो रहा है वो भी इनकम है वो भी ले लिया, ये आ जाएगा मेरे पास टोटल इनकम। फिर प्रोजेक्ट को रन करने के लिए एक्सपेंस लगते हैं कि नहीं, वो लेस किया अपन ने एक्सपेंसेस, फिर लेस किया अपन ने डेप्रिसिएशन क्योंकि वो भी एक्सपेंस है, वो क्या है एक्सपेंस है, वो लेस किया और फिर मिला मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझा, सभी इनकम में से एक्सपेंसेस लेस कर दिए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस किया टैक्स, अगर वो 30% है तो ऑब्वियसली इस पे लगता है 30, और फिर मुझे मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैन आई कॉल दिस एज सीएफएटी? नो, क्योंकि ये कैलकुलेशन में ये आइटम को तुमने कंसिडर किया है जो कि नॉन कैश है। तो फिर इसके साथ जो भी तुमने ट्रीटमेंट किया है उसका काम खत्म हो गया। क्यों उसका काम खत्म हो गया? क्योंकि अब टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। तो अब क्या करना है, इसको रिवर्सल करना है। रिवर्सल करने के लिए यहां जो किया था एग्जैक्टली उल्टा यहां पर करो, क्या करो, एड कर लो डेप्रिसिएशन, आपको मिल जाएगा आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं? डेप्रिसिएशन लेस कर दिया तुमने, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था, उसी इनकम पर तुमने टैक्स चार्ज किया है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन की वजह से जो टैक्स शील्ड आने वाला था उसका इंपैक्ट ऑलरेडी ये टैक्स में आ चुका है, क्योंकि तुमने डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद के इनकम पर टैक्स लगाया है, तो तुम्हारा टैक्स सेविंग हो गया। समझे नहीं समझा? अभी ये पीबीटी पर आया है, इसकी वजह से टैक्स में उसका इंपैक्ट आया है। डेप्रिसिएशन पर टैक्स शीट अलग से लेने की जरूरत नहीं है इस मेथड में, क्योंकि तुमने इस प्रॉफिट पर टैक्स निकाला है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के वक्त आपने डेप्रिसिएशन लेस किया है, इसीलिए आपको सेपरेटली डेप्रिसिएशन टैक्स शीट देने की जरूरत नहीं है। यह मेथड वन है मेरा, समझाइए मेथड वन। इसी सेम चीज को आप मेथड टू से भी सॉल्व कर सकते हो। मेथड टू से सॉल्व करने के लिए यहां से लेकर इधर तक का पार्ट सेम है, मगर जैसे टैक्स आ गया ना, टैक्स उसके बाद सिर्फ इनफ्लो और सिर्फ आउटफ्लो कंसिडर कर लो, आपका आंसर डायरेक्ट सीएफएटी आ जाएगा। मतलब अगर ये मेरा सीरियल नंबर ए है, ये बी है, सी क्या रहेगा, ए प्लस बी, एवरीवन विद मी, फिर डी रहेगा एक्सपेंस, ये रहेगा आपका डेप्रिसिएशन ई, ये क्या आएगा एफ इज इक्वल टू, बताइए, सी माइनस डी माइनस ई, बराबर। अब इस पर आप लगा रहे हो टैक्स जी, ये आ गया टैक्स, टैक्स कैसे आएगा, एफ इंटू 30% करके आ गया टैक्स। अब डायरेक्टली निकाल लो सी एफ ए टी, एच इज इक्वल टू सी मतलब कैश इनफ्लो माइनस डी मतलब आउटफ्लो माइनस जी मतलब टैक्स, खत्म। आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। मतलब मेथड टू में क्या करना है आपको, मेथड टू में क्या करना है आपको, एक बार टैक्स आ गया तो सिर्फ इनफ्लो और सिर्फ आउटफ्लो कंसिडर करके आंसर क्लोज। समझे एवरीबडी, ऑल ऑफ यू? मैडम आप समझे हो क्या? थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये नंबर लेकर ट्राई कर देना आप, सबसे बेस्ट, मन के कोई भी नंबर लेना, पहले फर्स्ट मेथड से आंसर निकालना। ये वाला मेथड मेथड वन है, ये वाला मेथड टू है, कोई भी नंबर ले लेना। ऑब्वियसली सेकंड मेथड के वक्त वही नंबर यूज करना, नंबर वन चेंज करना, आपका आंसर दोनों जगह सीएफएटी का सेम आएगा। सब लोग ट्राई करके देख लेना आज, ठीक है। और लास्ट क्लोजिंग वाला मेथड थ्री बता रहा हूं मैं आपको। मेथड थ्री में क्या होता है, आप सबसे पहले लेते हो इनकम, एड करते हो एनी अदर इनकम, ये आ जाता है आपका टोटल इनकम, इसमें से माइनस करते हो एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन को इग्नोर करते हो, इग्नोर कंसिडर नहीं करोगे आप, ये आ जाएगा आपका नेट इनकम विदाउट इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन।
इस पर आप लगा दोगे टैक्स कितने रेट से, 30% से, ये आ जाएगा इनकम आफ्टर टैक्स बट ऑफ कोर्स विदाउट डेप्रिसिएशन इंपैक्ट, इसको बुला लो आप ए पार्ट। समझ गया यहां तक? अब बी पार्ट क्या करना है, नाउ टेक डेप्रिसिएशन, टेक टैक्स शील्ड एट द रेट 30% ऑफ कोर्स ऑन डेप्रिसिएशन, ये टैक्स शील्ड को बुला लो पार्ट बी, टैक्स शील्ड को बुला लो पार्ट बी। अब बताओ पार्ट ए में ये जो पूरा सॉल्यूशन सॉल्व किया इसमें कहीं पर भी नॉन कैश आइटम लिया क्या तुमने? नहीं लिया, तो कह रहे से पार्ट ए इज माय कैश इनफ्लो, यस और नो? यस और नो? यस। पार्ट बी डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश है, मगर उस पर जो टैक्स शील्ड आता है वो तो कैश फ्लो है ना, टैक्स शील्ड इज नथिंग बट सेविंग्स इन टैक्सेस, तो कहने से पार्ट बी इज ऑल्सो कैश इनफ्लो, तो फिर इसको भी कैश इनफ्लो बुला रहा हूं मैं, और मेरा सी एफ ए टी इज नथिंग बट ए प्लस बी। समझे क्या? और ये मेथड से भी आंसर वही आएगा जो मेथड वन और टू से आया था। तो आज इमीडिएटली आपका काम क्या है, अभी मैं छोड़ रहा हूं, आपका काम क्या है, इन तीनों मेथड में, पहले मेथड में जो नंबर लिए थे ऐसी रैंडमली वही एग्जांपल उठाकर दूसरे में सॉल्व करके देखो सीएफईटी क्या आता है, तीसरे में सॉल्व करके देखो सीएफईटी क्या आता है। आपको नंबर्स कौन से सेम लेने, इनकम एनी अदर इनकम एक्सपेंस डेप्रिसिएशन, बस ये चार नंबर सेम रखो, टैक्स का रेट सेम रखो, और आपका सब जगह तीनों मेथड से आंसर सेम 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 आना चाहिए सीएफईटी का। समझे कि नहीं? तो तीनों मेथड का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, फिर एफएम क्वेश्चनेयर बुक सॉल्व करना, क्वेश्चनेयर बुक में जितने क्वेश्चन है कितने हैं, 7, हाँ करता हूं, कितने देखो, नाइन क्वेश्चन से ट्राई करना सॉल्व करने के लिए, 9 के 9 सॉल्व करोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। मैं पूरे 9 नहीं सॉल्व करूंगा, मैं सिलेक्टेड फ्यू जिसमें एडजस्टमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही सॉल्व करूंगा, ठीक है। मेथड 1, 2 और 3 एक बार अच्छे से देख लो, मैं रिपीट कर रहा हूं। मेथड 1 में क्या होता है, इनकम लेते, एनी अदर इनकम ऐड करते, टोटल इनकम आता है, माइनस एक्सपेंस करते, माइनस डेप्रिसिएशन करते, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, उस पर लगाते हैं टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, ऊपर जो डेप्रिसिएशन के साथ किया था उसको रिवर्सल करते, एड बैक कर आंसर आ जाता है, ये मेथड 1 है। मेथड 2 में क्या होता है, इनकम लेते, एनी अदर इनकम लेते, टोटल इनकम आता है, एक्सपेंस लेते हैं जिसको हम डी बुला रहे हैं, फिर डेप्रिसिएशन लेते हैं जिसको हम ई बुला रहे हैं, फिर एफ का आंसर निकलता है मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर टैक्स का आंसर निकलता है। यहां तक का पूरा स्टोरी बिल्कुल सेम है, सिर्फ सीक्वेंस सीरियल नंबर डाला यहां पर मैंने, और जैसे ही टैक्स निकल गया फिर मैंने डायरेक्टली सीएफएटी निकाला, मतलब टैक्स निकलने के बाद मैंने क्या किया, तो सिर्फ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो देखा, बाकी कुछ नहीं देखा। तो इनफ्लो क्या था सी, आउटफ्लो क्या था डी, आउटफ्लो क्या था जी, बस। सर फिर वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का क्या होगा? सर कुछ नहीं कंसीडर करने का, टैक्स लिया ना, टैक्स का अमाउंट आया ना, उसका इंपैक्ट फाइनल आंसर में आया ना, बस बाकी सब इरेलेवेंट है। एक बार टैक्स का अमाउंट आ गया तो सिर्फ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, दैट इज द लॉजिक ऑफ मेथड 2। एंड मेथड 3 तो बोलता है भाई मुझे डेप्रिसिएशन से एलर्जी है, डेप्रिसिएशन अलग रख और बाकी आइटम्स अलग रख। तो इधर डेप्रिसिएशन रख दिया अपन ने पहला आइटम अलग, और इधर रख दिया अपन ने बाकी आइटम्स को। तो बाकी आइटम्स में क्या लिया, इनकम एनी अदर इनकम टोटल इनकम, उस पर माइनस कर दिया एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन को क्लियर कट टोटल इग्नोर मारा, और उस पर लिया फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट, नेट इनकम को क्या बोला अपन ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट विदाउट डेप्रिसिएशन, फिर उस पर लिया टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इधर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इनकम आफ्टर टैक्स विदाउट डेप्रिसिएशन जो है यही हमारा कैश इनफ्लो है, क्योंकि ये पूरे फ्लो में कहीं पर भी नॉन कैश आइटम नहीं था, तो हमारा ए पार्ट जो है वो कैश इनफ्लो है, और फिर डेप्रिसिएशन को लिया जो कि आउटफ्लो नहीं है मगर एक्सपेंस है, और उस पर बचता है टैक्स, इसलिए लिया टैक्स शील्ड, और वो टैक्स शील्ड का अमाउंट हमारा इनफ्लो है, तो वो इनफ्लो और ए वाला इनफ्लो दोनों ऐड करके सीएफईटी आ जाएगा। तो ये मेथड उनके लिए होता है जिनको डेप्रिसिएशन से बहुत नफरत है, तो कोई बात नहीं, अलग ट्रीट कर, ये अलग सॉल्व कर, वो अलग सॉल्व कर, समझ गए? शैल वी स्टॉप हियर, लेट्स कंटिन्यू टुमारो फ्रेंड्स, गुड बाय, सी यू टुमारो। ये देखना है, लिखना है, लिख लिया ना सबने, लिखा है ना? चलो लविश, ये जो तुम पूछ रहे हो ये प्रोजेक्ट, ये सेंसिटिविटी वगैरह का, ये आगे केस में आएगा, तो अभी आंसर नहीं कर सकता मैं उसको, आगे आंसर करूंगा, ठीक है?
और एनपीवी मेथड में यस डेफिनेटली जहां पे लाइफ सेम नहीं होती है वहां पर हम एनपीवी मेथड में क्या करते हैं, अगर एनपीवी मेथड में दो प्रोजेक्ट का लाइफ सेम नहीं रहेगा तो हम क्या करते हैं, ईएवी निकालते हैं. क्या निकालते हैं? ईएवी, इक्वेटेड एनुअल वैल्यू. व्हाट इज इक्वेटेड एनुअल वैल्यू? उसका फॉर्मूला याद है क्या? एनपीवी मेथड में अभी अपन ने एनपीवी मेथड पढ़ा, बराबर है? ये आपका एनपीवी मेथड है, बराबर है? अगर यहां पर दो प्रोजेक्ट रहते, दोनों का लाइफ सेम नहीं होता, तो आप क्या करते? ईएवी निकालते, इक्वेटेड एनुअल वैल्यू निकालते. उसका लॉजिक क्या है, मैं आपको लिख के देता हूं. लिखो वहां पर, इफ लाइफ ऑफ टू प्रोजेक्ट्स इज नॉट सेम अंडर एनपीवी मेथड कॉमा वी यूज ईएवी इक्वेटेड एनुअल वैल्यू. ईएवी मेथड इक्वेटेड एनुअल वैल्यू जिसका फॉर्मूला है ईएवी इज इक्वल टू एनपीवी डिवाइडेड बाय पीवीएएफ आर कॉमा एन. एनपीवी डिवाइडेड बाय पीवीएएफ आर कॉमा एन. डन. तो ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला आया आपका पीवी इज इक्वल टू ए इंटू पीवी ए एफ आर कॉमा एन से आया. इसी को मॉडिफाई करके ए इज इक्वल टू पीवी अपॉन पीवी ए एफ आर कॉमा एन किया, तो ऑब्वियसली आपका एन्यूटी मतलब इक्वेटेड एनुअल वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड पीवी एफ पीवी एफ. कोई नया फॉर्मूला नहीं है ये, ठीक है? तो इसको अच्छे से नोट कर लो और इस पर और भी कुछ क्वेश्चंस बेस रहेंगे तो उसको सॉल्व कर लो. कैपिटल बजटिंग में क्या देखा था हमने? चैप्टर का नाम नहीं पूछ रहा मैं आपको, क्या क्या देखा था हमने? पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, पेबैक रेसिप्रोकल, देन एनपीवी, पीआई, आईआरआर. छह मेथड्स हमने कवर किए. और लास्ट में आपको याद होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर किया है कि तीन मेथड्स जिससे आप सीएफएटी निकाल सकते हो, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. एवरीवन, और अगर आपने एफएम का चार्ट बुक रेफर करना स्टार्ट किया रहेगा तो उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि वहां पर भी मैंने वो मेंशन किया स्टेप्स कि कैसे आप सीएफएटी पर आ सकते हो. ओके, तो आपने सीएफएटी के जो मेथड्स सीखे थे इसमें एग्जांपल के तौर पे कुछ नंबर्स लेकर क्रॉस चेक किया क्या? सेम आता है तीनों जगह एग्जाम्पल लेकर सबने किया क्या सॉल्व? मैंने बोला था आपको मन के एग्जाम्पल जानने, आपको वहां पर नंबर के लिए सिर्फ. ऑब्वियसली एक बार जो नंबर लिए वो तीनों मेथड में सेम यूज होंगे और तीनों मेथड से हमको सीएफएटी सेम मिलना चाहिए. नाउ टुडे वी विल कवर अप फ्यू क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम योर एफएम क्वेश्चनर बुक. सो क्वेश्चनर बुक में आई हैव टेकन क्वेश्चंस फ्रॉम मेनली आईसीआई मॉड्यूल. इफ यू हैव नोटिस्ड आई हैव कवर्ड अप ऑलमोस्ट फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल एवरीथिंग सो दैट यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व आईसीआई मॉड्यूल अगेन. बट वी हैव मेनी मिस्टेक्स इन मॉड्यूल ऑल्सो एज यू ऑल नो. मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको फाउंडेशन से आदत है कि मॉड्यूल में मिस्टेक होते हैं, तो वो मिस्टेक्स हम लोग यहाँ पर क्लास में सॉल्व कर दूर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका एफएम क्वेश्चनर बुक का, आपने बाय द वे एआरआर मेथड भी देख लिया रहेगा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड. यस, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहां पर डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर वन. टोटल कितने क्वेश्चन है यहां पर? 9 या 13 क्वेश्चन शायद हो जाएंगे आज, डोंट वरी. ठीक है, तो लुकवुड लिमिटेड वॉन्ट्स टू रिप्लेस इट्स मशीन विद अ न्यू ऑटोमेटिक मशीन. The two models A and B available at the same cost of rupees 5 lakh each. The salvage value of the old machine is 1 lakh rupees. Everybody, salvage value of the machine is 1 lakh rupees. And the utilities of the existing machine can be used if the company purchases A. Additional cost of utilities to be purchased in that case are rupees 1 lakh. So additional utility kitne ka kharidna padega fir aapko? 1 lakh ka. If the company purchases B, then all the existing utilities will have to be replaced by the new utilities costing rupees 2 lakhs. So, फिर नया utility 2 lakh का लगेगा अगर हम machine B के साथ जाएंगे तो. The salvage value of the old utility will be 0.2 lakhs, मतलब 20,000. Everybody. And the earning after taxations are expected to be as follows. ऊपर का heading क्या लिखा है दोस्तों? Earning after tax. But table में नाम क्या दिया है?
कैश इनफ्लोज, समझे क्या? तो आपने क्या कंसिडर करना चाहिए उसको, कैश इनफ्लोज। काफी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जहां पे टेबल में हेडिंग मैटर करता है, ऊपर क्या लिखा है वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि ऊपर कभी कभी वो लोग अर्निंग आफ्टर टैक्स, सिर्फ अर्निंग्स ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, बट टेबल में क्या हेडिंग दिया है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, एंड दे आर सेइंग ईयर 1, 2, 3, 4, 5 ए बी एंड पीवीएफ फैक्टर फॉर 15% रेट। ईयर 1 से 5 तक आपको कैश इनफ्लोज दिए हैं, उनके फैक्टर्स भी दिए, सैलवेज वैल्यू भी दे रखा है ए और बी का। द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न फॉर द कैपिटल इज हाउ मच, 15%। टारगेट रेट कितना है, 15% का है। व्हाट इज दैट, योर डिस्काउंटिंग फैक्टर। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट फॉर द टू मशीन सेपरेटली एनपीवी, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड डिजायरेबिलिटी फैक्टर। व्हाट इज डिजायरेबिलिटी फैक्टर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नॉट आउट ऑफ सिलेबस, बराबर ना, एंड स्टेट विच ऑफ द मशीन इज टू बी सिलेक्टेड। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले हमें कैश फ्लोज डिसाइड करने हैं, बराबर है कि नहीं? ए और बी के आपको क्या डिसाइड करने हैं, कैश फ्लोज। दोनों मशीन 5 लाख ईच बोला था, सो डू यू एग्री कॉस्ट ऑफ मशीन 5 लाख। यूटिलिटीज फर्स्ट केस में कुछ यूटिलिटीज यूज हो जाएंगे इसलिए 1 लाख, बट सेकंड केस में पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा इसलिए 2 लाख। सैलवेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन इज हाउ मच, 1 लाख 1 लाख, यस और नो? सैलवेज वैल्यू वैसे भी ओल्ड मशीन का तो दोनों केस में मिलने वाला है, भले ही आप मशीन ए लो या बी लो। एंड सैलवेज वैल्यू ऑफ ओल्ड यूटिलिटीज हमको कहां मिलेगा, बी में, क्योंकि ए में तो हम वही यूटिलिटीज यूज कर रहे हैं ना, तो उसको स्क्रैप क्यों करेंगे हम लोग, बट बी में हम यूटिलिटीज स्क्रैप कर रहे हैं जिसका सैलवेज वैल्यू हमको 20,000 मिल रहा है। एंड टोटल एक्सपेंडिचर नेट आपका कितना आ रहा है, 5 लाख, एंड यहां पर कितना आ रहा है, 5,80,000। ये कब मिलेगा आपको 5 लाख एंड 5,80,000, ईयर जीरो पे आएगा ये, एवरीबॉडी ईयर जीरो पर आ रहा है ये। आपको ये समझा क्या कि ये सब फिगर्स ईयर जीरो के, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, ये तो आपका आउटफ्लो ईयर जीरो का है, जो भी इनफ्लो आएगा सैलवेज वैल्यू मतलब क्या ओल्ड का रिप्लेसमेंट का, वो भी ईयर जीरो में आएगा, यस। इसलिए ईयर जीरो में मतलब हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना रहेगा, 5,00,000 एंड 5,80,000। इसके बाद एनपीवी कैलकुलेशन नॉर्मल है आपका, एनपीवी फर्स्ट केस में कितना आता है, 42,580, सेकेंड केस में 18,140। आपने सबने सॉल्व किया है, क्या ये आंसर्स आते हैं? ओके, तो कुछ नहीं किया हमने, ईयर जीरो में 5 लाख लिया और 5,80,000 लिया, बराबर है क्या? और ईयर 1, 2, 3, 4, 5 में कितना लिया, जो क्वेश्चन में यहां पर दिया था वही लिया ना, कुछ अलग कैलकुलेटेड फिगर है क्या आपके, नहीं ना? तो फिर आपका एनपीवी आता है 42,580 एंड 18,140। अब आपको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है, तो उसके लिए आपको यही सब कैश फ्लो, यही सब डीसीएफ लेने, सिर्फ क्यूमुलेटिव करना है उसको। और आपका डिस्काउंटेड पेबैक कितना था, 4.61 इयर्स, 4.63 इयर्स, पॉइंट कर दो उसको अच्छे से क्वेश्चनियर बुक में, सॉल्यूशन में पॉइंट कर दो उसको, 4.61 4.63। डिजायरेबिलिटी फैक्टर मतलब क्या, पीआई, पीआई का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कभी भी याद रखो पीआई का आंसर पॉइंट में होता है, पॉइंट मतलब सॉरी टाइम्स में होता है, पीआई का आंसर टाइम्स में होता है। तो यहां पर आपका जो भी एनपीवी था 42,580, उसके साथ आपको इनिशियल कैश आउटफ्लो ऐड करना है 5 लाख का और डिवाइड बाय 5 लाख करना है। सेकंड केस में 18,140 प्लस 5,80,000 डिवाइडेड बाय क्या करना है, 5,80,000, और आपका आंसर फर्स्ट केस में आता है 1.08 के आगे टाइम्स, एंड सेकंड केस में 1.03 आगे टाइम्स। तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो या तो आप 4 डेसिमल आंसर लिख सकते हो, नंबर ऑफ डेसिमल 2 तो आने चाहिए पीआई की हद तक। और आप जब सॉल्यूशन सॉल्व करते हो तब आपको अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं दिया रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 डेसिमल लेना पड़ेगा, और नहीं दिया रहेगा तो लेना है, दिया रहेगा 3 या 2 फैक्टर्स तो आपको 2 डेसिमल ही लेना है या 3 डेसिमल ही लेना है जो क्वेश्चन में प्रिंटेड है, ठीक है? अब बताइए क्या करेंगे हम लोग, कौन सा मशीन सिलेक्ट करना है, हर मेथड का कंक्लूजन अलग लिखना पड़ेगा आपको। फर्स्ट एनपीवी के बेसिस पर मशीन ए, पीआई के बेसिस पर मशीन बी, नहीं पीआई नहीं, डिस्काउंटेड पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक के हिसाब से मशीन ए आ रहा है ना, फिर से इधर भी तो डिस्काउंटेड पेबैक कम है ना, तो मशीन ए आ रहा है, और पीआई के हिसाब से भी मशीन ए आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, मशीन ए शुड बी सिलेक्टेड। अगर अलग अलग मेथड में अलग अलग आंसर आते हैं तो हम सेपरेट कोई कंक्लूजन नहीं लिखते, हर मेथड का कंक्लूजन अलग लिखते हैं, इज दैट क्लियर?
आगे बढ़े क्या? कोई डाउट था आपको क्वेश्चन वन में? आपने सबने सिस्टमेटिकली सॉल्व किया और एंड आंसर के साथ आपका आंसर मैच हुआ। प्रेजेंटेशन जो हम क्लास में करते थे वैसे ही चाहिए आपको। इनिशियल कैश फ्लो, इंट्रीम अगर निकालना है तो निकालो, नहीं तो जैसे रेडीमेड दिया है तो क्यों निकालोगे आप। टर्मिनल कैश फ्लो, ठीक है। इधर इस क्वेश्चन में टर्मिनल कैश फ्लो था क्या? कुछ सैलवेज वैल्यू था ना। टर्मिनल कैश फ्लो क्या है? सैलवेज वैल्यू। ये जो 50,000 और 60,000 है ये सैलवेज वैल्यू है, फिफ्थ ईयर में आएगा, जो कि हमने इधर कंसिडर किया है। दिख रहा है क्या आपको? इसके लिए आपने फिफ्थ ईयर का ही फैक्टर यूज किया रहेगा। दिख रहा है आपको फैक्टर फिफ्थ ईयर का? काफी बार मिस्टेक्स, दो ही मिस्टेक्स होते हैं एनपीवी कैलकुलेशन में, ईयर जीरो के सामने वन फैक्टर नहीं यूज होता, गलती से फर्स्ट ईयर का यूज हो जाता है। एंड तक सॉल्व करने के बाद आपको क्लिक होता है, अरे यार उधर फर्स्ट ईयर का फैक्टर लिख दिया अपने गलती से। दूसरा मिस्टेक जो कि ध्यान में भी नहीं आता है वो है फिफ्थ ईयर जब रिपीट होता है तो गलती से आप कैलसी पर सिक्स्थ ईयर का फैक्टर ले लेते हो, क्योंकि आपको आदत होता है ना इज इक्वल टू। पांच के बाद छठवीं बार इज इक्वल टू दबा दिया, खत्म हो गया खेल, आपका पूरा आंसर ही रॉन्ग जाएगा। एनपीवी रॉन्ग नहीं जाएगा, पीआई भी रॉन्ग जाएगा और डिस्काउंटेड पेबैक भी रॉन्ग जाएगा। आप बाहर आके बोलोगे पेपर बढ़िया मिला, मस्त था पेपर, आंसर्स गलत होने से आपको नंबर कुछ नहीं आएंगे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर सच टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। ओके आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर टू पे आते अभी। हिंद लेबर कंपनी इज कंसिडरिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन टू सप्लीमेंट इट्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट। इट इज एंटीसिपेटेड दैट द न्यू प्रोडक्ट लाइन विल इन्वॉल्व कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 लाख रुपीज एट द ईयर जीरो टाइम जीरो, whereas 10 लाख रुपीज इन ईयर वन। मतलब कितनी बार इन्वेस्टमेंट लग रहा है? दो बार लग रहा है, ईयर जीरो में और ईयर वन में अलग से लग रहा है। तो आप मुझे बताएंगे कि ईयर वन में जब मेरा आउटफ्लो होगा तो मुझे फैक्टर कौन सा लेना है? ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर का ही लेना पड़ेगा ना, यस और नो? ईयर जीरो में आउटफ्लो होगा जीरो ईयर का फैक्टर वन आएगा, ईयर वन में आउटफ्लो होगा तो फर्स्ट ईयर का जो फैक्टर निकलेगा वो लेना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देन आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज, देखिए वर्ड देखिए क्या लिखा है, आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो, इसका मतलब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, सीएफईटी, समझे क्या? तो इसको आफ्टर टैक्स पढ़कर प्रॉफिट अज्यूम मत कर लेना, आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो बोला है। कितना है? 2,50,000 आर एक्सपेक्टेड इन ईयर टू, ₹3 लाख इन ईयर थ्री, ₹3,50,000 इन ईयर फोर एंड ₹4 लाख ईच ईयर थ्रू ईयर 10। मतलब क्या हुआ? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हर साल, अच्छा 5 ईयर से, 4 तक तो दिया था 5 ईयर से, सो 5-10, कैन आई राइट 5-10? यस, इन दैट केस आई विल हैव टू यूज द पीवीएफ फैक्टर। ऑफकोर्स उसके लिए पहले 4 साल इज इक्वल टू नो एम प्लस, फिफ्थ ईयर से इज इक्वल टू एम प्लस शुरू होगा 10th ईयर तक। नाउ दे आर सेइंग हियर दैट although the product line might be viable after 10 years, the company prefers to be conservative and end all calculations at that time. मतलब ये बोल रहे हैं, हो सकता है 10 साल के आगे प्रोजेक्ट चले बट हम कंजर्वेटिव है कि 10 साल के आगे इसका लाइफ नहीं है, तो फिर इस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? 10 सालों तक ही लेना पड़ेगा ना। Then if the required rate of return is 15% means your discounting factor is 15%, compute the NPV of the project, is it acceptable? Analyze what would be the case if the required rate of return were 10%, मतलब आप second case में आपका discounting factor change हो जाएगा 10%, calculate its internal rate of return, IRR निकालने बोल रहे हैं, compute the project's payback period। निकाला आपने? चारों निकाला, चारों part solve किया अच्छे से, और आपको solve करने आया क्या? Surely आया है, ओके ग्रेट। तो फर्स्ट केस जीरो ईयर का आउटफ्लो 7 लाख, फर्स्ट ईयर का आउटफ्लो 10 लाख। मैंने बताया वैसे जीरो ईयर का फैक्टर वन रहेगा, फर्स्ट ईयर का फैक्टर जो आएगा वो लेना होगा। इनका दोनों का आउटफ्लो वाला नंबर आपने दिखाया प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, सब लोग। फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अलग अलग नंबर, 5 से लेकर 10 ईयर्स तक एवरी ईयर 4 लाख। तो ऐसा नहीं करते नंबर ऑफ ईयर 6 into 4 lakh 24 lakh, 4 lakhs becomes annuity। ये क्या हो गया आपका लिए, आपके लिए annuity हो गया। तो ये कौन सा फैक्टर हुआ? PVAF फैक्टर हुआ, बराबर है कि नहीं? और annuity into PVAF करके प्रेजेंट वैल्यू निकाला आपने जो कि ये आता है, बराबर है क्या? और बाकी ये तो सब हर साल का आपका इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू है। आपका एनपीवी कितना आया? 1,18,200 आ रहा
अच्छा आपने 4 डेसिमल लिया, एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन में डेसिमल्स नहीं दिए रहेंगे, तो 4 डेसिमल अगर आप ले रहे हो तो आप ज्यादा करेक्ट हो, 4 ही लिया ना, यस, तो यू आर मोर करेक्ट। आपका आंसर इस आंसर के आसपास आ रहा है, 1,17,675, ठीक है, वो शायद आपके राउंड ऑफ की वजह से हो रहा है, कोई बात नहीं, 1,17,000 से 18 के बीच आया ना कुछ, इसके आसपास ऐसा कुछ आजू बाजू कुछ नहीं आया ना। हाँ तो हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं है, बिकॉज एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, तो वो भी कंक्लूजन लिखना जरूरी था, मगर अगर 10% से डिस्काउंट करेंगे तो एनपीवी पॉजिटिव आता है, 2,51,000 के आसपास, 251,820 आपका, अगर आप 4 डेसिमल लेते हो तो 4 डेसिमल ही लेना चाहिए था। और अब सेकेंड केस में हम बोलेंगे यस द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, फिर आपने IRR का कैलकुलेशन लिखा रहेगा, व्हाट इज LR, लोअर रेट, हायर रेट इज HR, हम लोग ऐसा नहीं लिखते, स्टार्ट रेट एंड रेट, ठीक है, तो NPV एट LR इज नथिंग बट सरप्लस, सो राइट योर रेगुलर फॉर्मूला, ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला, टेल मी, IRR इज इक्वल टू स्टार्ट रेट प्लस सरप्लस अपॉन सरप्लस प्लस डेफिसिट इनटू डिफरेंस इन रेट, ऐसी फॉर्मूला यूज किया आपने, आपका स्टार्ट रेट 10% लिया आपका क्योंकि एनपीवी एट 10% इज पॉजिटिव, और एंड रेट लिया आपने 15% बिकॉज एनपीवी एट 15% इज नेगेटिव, और फिर ये आपका सरप्लस था, मतलब ये जो लोअर रेट है जो एंड रेट है उसका एनपीवी सरप्लस, और सरप्लस प्लस डेफिसिट कैसे होता है उसका कैलकुलेशन आप देख सकते हो, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और फिर आपका फाइनल आंसर आता है 13.4 के आसपास, 13.4 आता है आपका आंसर, यस। आपका पे बैक पीरियड निकालना है तो आपने क्यूमुलेटिव करना चाहिए कैश फ्लोज को, बराबर है, एवरी ईयर कैश आउटफ्लो इज इनफ्लो इज डिफरेंट, तो आपने नॉर्मल आपका टेबल प्रिपेयर किया रहेगा, टेबल प्रिपेयर किया रहेगा आपने, क्या टेबल का फॉर्मेट है बताइए, ईयर कैश फ्लो एंड क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, पे बैक निकालना है ना, डिस्काउंटेड पे बैक थोड़ा निकालना है, ईयर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, यहां पे स्टार्ट होगा माइनस, फर्स्ट ईयर में कितना, -7 लाख है क्या, सेकेंड ईयर में प्लस या माइनस, -10 लाख, 0 ईयर पे क्या ये, तो मैंने एक्चुअली 10 लाख से शुरू करना चाहिए, समझे कि नहीं, और फिर सेकेंड ईयर में 2,50,000 है ना, तो फिर ये हो जाएगा 7,50,000, आर यू अंडरस्टैंडिंग, हाँ, पूरा इन्वेस्टमेंट आपका 17 लाख है, पूरा इन्वेस्टमेंट 17 लाख है ना आपका, तो अपन सेकंड ईयर के आगे 17 लाख तक जाएंगे ना, कोई बात नहीं, हम लोग सेकंड ईयर से शुरू करते, फिर एक काम करते, ये देखिए ईयर 1 को इग्नोर ही कर दो, ईयर 2 से शुरू करो क्योंकि आपके कैश फ्लो जो ईयर 2 से शुरू हो रहे, और अपने को रिकवरी कितने की करनी है, पूरे 17 लाख की करनी है, सर व्हाट अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पे बैक पीरियड में तो वैसे भी इग्नोर होता है ना भाई वो, समझे कि नहीं, तो फिर टू सेकेंड ईयर से शुरू करो, सेकेंड थर्ड फोर्थ वॉट एवर, ठीक है, तो सेकेंड ईयर में आपका 2.5 है तो ये 2.5 आएगा, बाद में 3 लाख है तो ये 5.5 लाख आ जाएगा, फिर 3.5 है तो ये बन जाएगा 9 लाख, करेक्ट है ना, फिर क्या आएगा 4 लाख, तो ये हो गया 13 लाख, और सिक्स ईयर में 4 लाख, तो ये हो गया 17 लाख, हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, पूरा डॉट 17 किया है, मतलब अपना पे बैक एग्जैक्टली सिक्स ईयर में आ रहा है, सर व्हाट अबाउट द डिफरेंस ईयर 0 में थोड़ा और बाद में ईयर 1 में, उसका यहां पर कोई लेना देना नहीं रहेगा, बराबर है ना, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन, थोड़ा अलग क्वेश्चन था, सबने सॉल्व किया क्या, कितने लोगों को नहीं जमा थर्ड, 1, 2, 3, 4 इधर के लोग, किसी को थर्ड क्वेश्चन नहीं जमा तो आंसर कीजिए हाथ, आप कमेंट में लिखिए एक बार आपको नहीं जमा है, ताकि यहां पर हम उस हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं, जल्दी बताऊं मैं आपको, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सिर्फ हटकर था, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बिलीव मी, सिर्फ थोड़ा हटकर था, तो सब लोग थर्ड क्वेश्चन पर ध्यान देंगे और इसको थोड़ा और बेटर वे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है,
इलाइट कुकर कंपनी इज इवैल्यूएटिंग थ्री इन्वेस्टमेंट सिचुएशन. फर्स्ट, प्रोड्यूस अ न्यू लाइन ऑफ एल्यूमिनियम स्किलेट्स. सेकेंड, एक्सपांड एग्जिस्टिंग कुकर लाइन इन टू इंक्लूड सेवरल न्यू साइजेस. एंड थर्ड, टू डेवलप अ न्यू हायर क्वालिटी लाइन ऑफ कुकर्स. कितने प्रोजेक्ट है अपने लिए? 1, 2 and 3 है. वो कुछ भी हो, अपने नाम से क्या लेना देना अपने को, स्केलेट्स है या क्या, एक्सपेंशन है या क्या है, हाई क्वालिटी है. 1, 2 and 3 प्रोजेक्ट है अपने लिए. नाउ दे आर सेइंग दैट इफ ओनली द प्रोजेक्ट इन क्वेश्चन इज अंडरटेकन, द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू एंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड आर. मतलब जो प्रोजेक्ट की बात करेंगे सिर्फ उसी को अगर ले रहे हैं तो उसमें कितने की लागत लग रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट, और कितने का आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो दिए मिल रहा है, वो इन्होंने रेडीमेड दिया है. प्लीज नोट, इन्होंने आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया है इनफ्लोज का, ठीक है. तो कहना है से ये दो नंबर्स से सीधा सीधा एनपीवी निकल सकता है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का, यस और नो? जैसे कि फर्स्ट केस में 90,000 का एनपीवी है, सेकेंड केस में 70,000 का है, और थर्ड केस में 1,30,000 का है. कैन यू आइडेंटिफाई एवरीबडी? ओके, यहां पे क्या बोल रहे हैं अभी देखो. इफ प्रोजेक्ट्स 1 and 2 आर ज्वाइंटली अंडरटेकन, मतलब आपने दोनों प्रोजेक्ट एक साथ दिए, तो ऐसे केस में देर विल बी नो इकोनॉमीज, मतलब कोई फायदा अलग से नहीं होगा. द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एंड द प्रेजेंट वैल्यू विल बी समेशन ऑफ द पार्ट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समेशन ऑफ द पार्ट्स? द इन्वेस्टमेंट विल बी 2 lakh + 1 lakh 15, दैट विल बी 3 lakh 15. And the present value of cash inflow will be 2,90,000 plus 1,85,000, which is 4,75,000. If I'm not wrong, समझा कि नहीं सबको? Summation of parts मतलब दोनों का addition. Now they are saying कि with project 1 and 3, अच्छा project 1 और 2 में कोई खास मजा नहीं है इसका मतलब, बराबर ना? जो दे रखा है उसी का total लेना है आपको. मगर ये क्या बोल रहे हैं देखिए, अगर 1 and 3 साथ में लेते हैं तो इकोनॉमीज आर पॉसिबल. किस में पॉसिबल है? इन्वेस्टमेंट में पॉसिबल है, बिकॉज वन ऑफ द मशीन एक्वायर्ड कैन बी यूज्ड इन बोथ द प्रोडक्शन प्रोसेस. अगर आप प्रोजेक्ट 1 and 3 लेते हो तो एक कॉमन मशीन है, तो वो आप दो बार लोगे कि एक ही मशीन में काम हो जाएगा? एक ही मशीन में काम होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट, कैन इट बी समेशन ऑफ पार्ट्स? नो, समेशन ऑफ पार्ट्स नहीं होगा. टू बाय द वे, 1 और 3 का समेशन ऑफ पार्ट कितना होता है इन्वेस्टमेंट का? 2 lakh + 2 lakh 70, 4 lakh 70,000 समेशन ऑफ पार्ट्स. बट ऐसा नहीं है, एक कॉमन मशीन है तो हम उसको दो बार क्यों परचेज करेंगे? ये लोग बोल रहे हैं द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द कंबाइंड विल बी हाउ मच? 4,40,000. वेर एज अगर मैं एडिशन कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? 4,70,000 आ रहा है. बट ये लोग क्या बोल रहे हैं? 4,40,000, इसका मतलब 30,000 का मशीन में सेविंग हो रहा है, ठीक है कि नहीं? तो कहने से 1 and 3 के लिए, 1 and 3 के लिए इट विल बी 0th ईयर में 4,40,000 का आउटफ्लो. यस, आगे इफ प्रोजेक्ट 2 and 3, अच्छा बाय द वे 1 and 3 लेंगे तो इनफ्लो का टोटल क्या आएगा? कुछ बोला नहीं तो ऑब्वियसली समेशन ऑफ पार्ट करना पड़ेगा. समेशन ऑफ पार्ट मतलब 2,90,000 + 4,00,000, 6,90,000 करना पड़ेगा. समझे कि नहीं? यस. आगे प्रोजेक्ट 2 and 3 अगर साथ में लेंगे, देर आर इकोनॉमीज टू बी अचीव्ड इन मार्केटिंग. मतलब क्या? डे टू डे रनिंग में आपको फायदा हो रहा है. हो सकता है दोनों का मार्केटिंग टीम एक ही हो, मार्केटिंग में फायदा हो रहा है प्रोड्यूस. एंड आगे क्या बोला? There are economies to be achieved in marketing and producing the product, but not in investment. मतलब कह रहे हैं इसे investment में फायदा कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब summation of parts है. Tell me summation of parts कितना आएगा? 2 and 3 मतलब 1,50,000 + 2,70,000, 3,85,000 होगा. आप सब लोग समझ रहे क्या? Yes or no? So it will be 1,15,000 + 2,70,000 का total for investment, but 185,000 + 4,00,000 नहीं है. By the way, 185,000 + 4,00,000 comes 5,85,000. Whereas they are saying there are economies to be achieved in marketing and producing. Obviously, the expected present value of the future cash inflow for project 1, for project 2 and 3, ये 1 नहीं इधर, 2 and 3 is कितना? 6,20,000. आपको समझ रहा है क्या? तो 6,20,000 ये क्या है? इज इट समेशन ऑफ पार्ट्स?
नो, समेशन ऑफ पार्ट्स तो अपन देख रहे हैं ना, 185 प्लस 4 लाख कम्स 585. एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आना चाहिए था 585, मगर कितना दिया है 6,20,000 दिया है. इसका मतलब मार्केटिंग से, कॉमन मार्केटिंग से कुछ स्टाफ बच रहा है. कुछ स्टाफ अपॉइंटमेंट करने की जरूरत नहीं है, कुछ जगह कॉमन एडवर्टीजमेंट कर रहे हो आप, इस वजह से आपका डबल एडवर्टीजमेंट पे खर्चा नहीं हो रहा है. डे टू डे रनिंग में आपका खर्चा अगर कम होगा तो कहने से इनफ्लो ज्यादा होगा. खर्चा अगर आउटफ्लो अगर कम होगा तो इनफ्लो ज्यादा होगा ना, इसका मतलब. तो इस वजह से आपका यहां पर 2 and 3 में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आ रहा है 6,20,000. कैसे आया मत सोचो, वो दिया है क्वेश्चन, वो आपका काम नहीं है. ठीक है, 6,20,000. If all three projects are undertaken simultaneously, the economies noted will still hold. Now tell me, what is the meaning of this sentence? Economies noted will still hold. Investment में जो फायदा होता था वो भी रहेगा और cash inflow के present value में जो फायदा होता था वो भी रहेगा. ध्यान से सुनो, 1, 2 and 3 undertake करना, इसका मतलब can I say 1 and 3 भी undertake हुआ and 2 and 3 भी undertake हुआ है. मैं 1, 2 और 3 ले रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त मैं 1 and 3 का एडवांटेज लूंगा और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लेते वक्त 2 and 3 का एडवांटेज लूंगा ना. मुझे बताओ, 1, 2 and 3 अगर अंडरटेक कर रहा हूं मैं तो मुझे वो जो मशीन इन्वेस्टमेंट के लिए डबल लेने की जरूरत नहीं है तो उसमें मेरा सेविंग हुआ. तो इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू मतलब जीरो ईयर का आउटफ्लो कम रहेगा. उस वक्त मैं क्या सोचूंगा, आई एम अंडरटेकिंग 1, 3 and 2. समझे कुछ? Whereas जब मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लूंगा तो मार्केटिंग के लिए सेविंग होगा कि नहीं होगा, तो फिर उस वक्त मैं सोचूंगा आई एम अंडरटेकिंग 1, 2 and 3. समझे कि नहीं? यस. हाउएवर अ रुपीज 1,25,000 एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट विल बी नेसेसरी एज द स्पेस इज नॉट अवेलेबल फॉर 3 प्रोजेक्ट्स. एग्जिस्टिंग जितनी जगह है उसमें तीनों प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकते भाई, तुझे एक्सटेंशन करना पड़ेगा, जिसके लिए जीरो ईयर में तेरा आउटफ्लो, एक्स्ट्रा आउटफ्लो कितने का लग रहा है, 1,25,000 का लग रहा है. तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का रहेगा इज, ध्यान से सुनो, 1 and 3 का इन्वेस्टमेंट कितना है 4,40,000, उसके साथ सेकेंड ईयर सेकेंड प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट एड करो 1,15,000 प्लस एक्सटेंशन एड करो 1,25,000, 6,80,000. क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? शुड आई रिपीट? पक्का? यस. सो इट विल बी 4,40,000 प्लस 1,15,000. 4,40,000 जब मैं बोलता हूं ना तो आई एम कंसिडरिंग 1 and 3. उसके साथ मुझे ऐड करना पड़ेगा 1.15 lakhs और उसके साथ मुझे एक्सटेंशन वाले के लिए ऐड करना पड़ेगा 1.25 lakhs. तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया, 6,80,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया. समझे? और जब मैं इनफ्लो लूंगा ना इनफ्लो, उस वक्त मुझे 2 and 3 का इनफ्लो लेना है, दैट इज 6.2 lakhs और उसके साथ 1 का इनफ्लो ऐड करना है प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज 2.9 lakhs. समझे कि नहीं? तो मेरा टोटल इनफ्लो कितने का हो जाएगा, 9,10,000. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितने का लूंगा मैं, 9,10,000. सर ऐसे कैसे इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ऐसा सोच रहे हो, इकोनॉमिक्स के वक्त आप वैसे सोच रहे हो? भाई मैं तीनों प्रोजेक्ट ले रहा हूं ना, तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त जहां सेविंग हो रहा है वो सेविंग मुझे मिलेगा ही, और क्योंकि मैं तीनों प्रोजेक्ट रन कर रहा हूं तो डे टू डे ऑपरेशन में जो मेरा सेविंग होगा वो भी होगा ही ना, क्यों नहीं मिलेगा मुझे फायदा? और फिर इस तरीके से मेरे तीनों प्रोजेक्ट का कैश फ्लो आ रहा है. नाउ दे आर सेइंग कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड स्टेट विच प्रोजेक्ट्स शुड बी सिलेक्टेड. तो आप बताइए प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, 1 अलग से लो, 2 अलग से लो, 3 अलग से लो, 1 and 2 ले लो, 2 and 3 ले लो, 1 and 3 ले लो, हो गए 6 ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन रहेगा 1, 2 and 3 ले लो. समझे? आई थिंक इट्स वेरी इजी नाउ. आपको सबको ये आंसर आए क्या? ये तो कुछ नहीं करना था, गिवन आंसर का बस माइनस करके आंसर निकालने थे. किया सबने ऐसे? फिर 1 and 2 के वक्त कोई फायदा हो रहा है क्या? नहीं. तो समेशन ऑफ पार्ट्स लिया आपने और डायरेक्ट आंसर निकाला 1 and 2 के लिए. बराबर बोल रहा हूं ना मैं? 1 and 3 के लिए आपको इन्वेस्टमेंट में फायदा हो रहा है, देखो आपने इन्वेस्टमेंट में फायदा ले लिया और यहां पर समेशन ऑफ पार्ट्स ले लिया और आपका आंसर आ गया 2,50,000. आया क्या? 2 and 3 में यहां कोई फायदा नहीं हो रहा है आपको, मगर समेशन ऑफ पार्ट्स ले लिया आपने, यहां पर फायदा हो रहा है आपको.
लिया आपने ये फायदा और आपका ये आंसर आया। भाई साहब 1, 2 और 3 के लिए आपने जैसे मेरे साथ ऊपर कैलकुलेट किया था वैसे ही आपने इधर भी कैलकुलेट किया, इधर भी फायदा लिया और इधर भी फायदा लिया, बराबर, और आपका आंसर ये आया। अमंग्स ऑल दिस आंसर आपको क्या लगता है जिसके अंदर मुझे हाईएस्ट एनपीवी आ रहा है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाईएस्ट एनपीवी अमाउंट कितना है? 2 लाख, ये वाला है ना 2,50,000, मतलब मुझे क्या करना चाहिए 1 और 3 के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आई बात समझ में? इज इट इजी नाउ? क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है सेलो लिमिटेड इज कंसिडरिंग बाइंग अ न्यू मशीन विच वुड हैव अ यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 years, कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,25,000, स्क्रैप वैल्यू ऑफ रुपीज 30,000, विथ 80% ऑफ द कॉस्ट बींग पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, 20% एट द एंड ऑफ ईयर फर्स्ट ईयर। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मतलब कौन सा ईयर? ईयर 1। एंड ऑफ ईयर 1 इज ईयर 1, बराबर कि नहीं? एंड द मशीन वुड प्रोड्यूस वुड प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स पर एनम ऑफ न्यू प्रोडक्ट विद द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ 3 रुपीज पर यूनिट। तो कितना हो गया 3 × 50, 1,50,000 का कैश इनफ्लो रेवेन्यू आ गया। फिर डायरेक्ट कॉस्ट वुड बी 1.75 पर यूनिट, ऑब्वियसली आपका वेरिएबल कॉस्ट है तो आप सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ भी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। एंड एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, क्या लिखा है? इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, किस बेसिस पर लिया डेप्रिसिएशन? SLM बेसिस पे लिया। कितना है आपका टोटल फिक्स कॉस्ट? 40,000, बट वो 40,000 में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है क्या? यस yes. कोई बात नहीं, हमें रेवेन्यू में से वैसे भी आपको इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन अमाउंट लेस कर प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है। इन्होंने बोला है इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्पेशल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव कॉस्ट वुड बी इनकर्ड अमाउंटिंग टू 10,000 और 15,000 रेस्पेक्टिवली। तो ये अलग से कैश आउटफ्लो। कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अज्यूमिंग कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। भाई साहब इस क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है? टैक्स ही नहीं दिया तो डेप्रिसिएशन का क्या काम है? कोई काम नहीं है। तो फिर हमारे लिए वो 40,000 का जो एनुअल फिक्स कॉस्ट दिया ना इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन वाला कोई काम का नहीं। हम डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करेंगे, हम एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लेंगे। कैलसी लो सब लोग, पहले मुझे डेप्रिसिएशन का वर्किंग करके बताओ कि डेप्रिसिएशन कितना? क्या डेप्रिसिएशन कैसे निकाला? SLM के फॉर्मूले से निकाला, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट। व्हाट इज द कॉस्ट गिवन? 1,25,000। व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू गिवन? 30,000। तो क्या करना पड़ेगा आपको? 1,25,000 में से 30,000 लेस करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5 करना पड़ेगा पर ईयर। 19,000 का क्या आ गया? डेप्रिसिएशन आ गया। हम क्या करेंगे? वो जो 40,000 का फिक्स कॉस्ट है उसमें से 19,000 निकालकर फेंक देंगे जिसका कोई यूज नहीं है। क्यों सर? आप तो बोल रहे थे अभी वो वैसे भी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लेना पड़ता है, वो तब जब टैक्स हो। टैक्स ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड ही नहीं है, और डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन का क्या काम है? समझे? तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताओ 3 रुपीज माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट 1.75, ये आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स 50,000, ये आ गया टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 62,500। क्या ये कॉन्ट्रीब्यूशन? माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, यस वेरी गुड, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो आप क्या बोलोगे? 40,000 माइनस 19,000, आर यू विथ मी? कितना? 21,000। 41,500 इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, EBIT। डू यू हैव इंटरेस्ट? डू यू हैव एनी अदर एक्सपेंस? नथिंग। कैन आई से ये हमारा CFAT है? फिर अगर टैक्स ही नहीं है भाई तो ये मेरा प्रॉफिट था, और इस प्रॉफिट पर डायरेक्टली मुझे कोई टैक्स भरना नहीं है, कुछ नहीं करना है। ये प्रॉफिट नहीं है एक्चुअली, ये इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन प्रॉफिट है। क्या है बोलो? इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन प्रॉफिट है ये। तो इसको EBIT बोलने से अच्छा क्या बुला सकते हैं इसको बताओ? बस CFAT बुला लो इसको, समझे क्या? एंड फिर 41,500 के फिगर को लेकर आप सॉल्व कर लो आपका आंसर। ऐसे ही क्या रहेगा आपने? इन्होंने भी यही किया है,
जीरोथ ईयर का आउटफ्लो, फर्स्ट ईयर में भी आउटफ्लो है ना, तो वो भी लिया इन्होंने, मगर फर्स्ट ईयर के इनफ्लोज के साथ नेट इंपैक्ट करके किया है। हम लोग ऐसा करते हैं क्या? कभी नहीं करते। हम लोग हमारा एनपीवी स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे मैं वो भी बता देता हूं आपको। ईयर, पर्टिकुलर्स, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट व्हाट रेट इस क्वेश्चन में 10%, डीसीएफ। ध्यान से देखो मेरी यहां पे वर्किंग को, 0 1, जीरो में आउटफ्लो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कितने का आउटफ्लो आएगा? 1 लाख का आएगा। सेकेंड ईयर में, सॉरी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में 25 का आउटफ्लो आएगा। फिर फर्स्ट ईयर में मैं इनफ्लो भी लूंगा। ये दोनों क्या थे? कैश आउटफ्लो, ये भी कैश आउटफ्लो, ये लूंगा मैं कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर का। और फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो कितना आएगा? 41,500 आएगा, बराबर है कि नहीं? वे बाय द वे, ये फर्स्ट ईयर का लेना जरूरी है या 1- डायरेक्टली लेंगे? 1- कितने साल? 4 कैसे आएगा? 1-5 आएगा ना, 1-5, 5 साल है ना, हर साल आपको कैश इनफ्लो मिलेगा 41,500 का, बराबर है कि नहीं? हाँ। और फिर फिफ्थ ईयर में स्क्रैप वैल्यू आएगा, आएगा कि नहीं? 30,000 का स्क्रैप वैल्यू। इसको सॉल्व कर लो नॉर्मल तरीके से। हाँ, दो आउटफ्लो लिया ना, जीरो एंड फर्स्ट का। अच्छा, वो अलग से जो सेल्स प्रमोशन वाला था वो, तो वो फर्स्ट ईयर में था और सेकेंड ईयर में था, तो वो यहां पर अलग से मेंशन कर देंगे अपन, बराबर है कि नहीं? फर्स्ट ईयर में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे ना इसको अपन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में 15,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वाई टू कॉम्प्लिकेट ना, उसको नेट ऑफ करो, उसी ईयर में दिखाओ, ऐसा जरूरी है क्या? अलग अलग बार दिखाओ, कोई बात नहीं। बस एक काम करो, जो ईयर है उसके सामने फैक्टर्स करेक्ट लिखो, ठीक है? सीक्वेंस डजंट मैटर सर, हम एग्जाम में ऐसा लिखेंगे 1-5, 5 और फिर 1 और 2, चलेगा क्या? यस ऑफ कोर्स चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहां पर आएगा आपका एनपीवी, कितना आता है आपका एनपीवी? वो आता है क्या जो क्वेश्चन आंसर में दिया है? वो 31,712, वो तो क्वेश्चन आंसर में दिया है, आपका तो 4 डेसिमल आंसर आना चाहिए था, 30,000, इतना डिफरेंस आता है भाई साहब। बाकी लोगों ने सॉल्व किया रहेगा ना घर पे? 31,729, मुझे लगता है ये आंसर आना चाहिए, कुछ तो भी आपका एरर हो गया रहेगा फैक्टर लेते वक्त, आया ना? मैंने बोला था आपको सॉल्व करना है घर, आया? सेम 31,729, 712 आया, 3 डेसिमल फैक्टर लिया फिर तुमने, एक्चुअली 4 डेसिमल लेना चाहिए अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो, 3 लिया आपने। चलिए, तो ये था आपका डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स गो टू 5th क्वेश्चन। आई थिंक दिस वॉज इजी 5th क्वेश्चन, एक बार जस्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आई थिंक बाकी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो रेगुलर नोट्स में भी सॉल्व किए थे अपन ने। एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन मशीन फॉर विच इट हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू आइडेंटिकल मशीन इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एक्स एंड वाई डिस्पाइट बीइंग डिजाइंड डिफरेंटली बोथ द मशीन्स डू द सेम जॉब। फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग द मशीन्स आर गिवन बिलो। परचेज कॉस्ट ऑफ द मशीन 15 लाख्स एंड 10 लाख्स। लाइफ ऑफ द मशीन इज 3 ईयर्स एंड 2 ईयर्स। अंडरलाइन करना चाहिए आपने, क्यों क्यों क्यों? एनपीवी पर रुक नहीं सकते, ईएवी पर जाना पड़ेगा। एंड रनिंग कॉस्ट पर ईयर दिया है, रेवेन्यू तो दिया ही नहीं है। रनिंग कॉस्ट पर ईयर दिया है, रेवेन्यू तो दिया ही नहीं है। रेवेन्यू नथिंग गिवन मीन्स बोथ द मशीन गिव्स द सेम रेवेन्यू। ये नोट लिखना चाहिए इधर आपने, राइट अ नोट। इन द एब्सेंस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम बोथ द मशीन्स comma, it is assumed that
revenue from Buddha machine is same, it is assumed that revenue from Buddha machine is same. Hence, ignored. Hence, ignored. Right? Now, the opportunity cost of capital is 9%, means your discounting factor will be 9%. And you are required to identify the machine the company should buy. The PVF factor, first year, second year, third year is given to you 9% per. 3 decimal diya hai, aapko 3 decimal hi lena padega. Right? Ab iska solution hum kaise kare? To hum iska solution is style mein nahi karte, jis style mein question mein diya, answer mein diya hai. Hum bahut simplified way mein karenge. Bhale usse thoda lengthy dikhe apna answer, but hamara answer checking ke liye aur solve karne ke liye bhi aasan rahega. Boliye hum kya karte? Pehli baat to idhar 0th year ka outflow diya hai? Diya hai. हर साल का इनफ्लो दिया है? नहीं दिया. मगर आउटफ्लो दिया है? यस दिया है. टैक्स रेट दिया है क्या? नहीं दिया है. अगर टैक्स रेट नहीं है तो ये सीएफएटी है, बट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स है. समझे क्या? कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स नहीं है, कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स है, क्योंकि रनिंग एक्सपेंसेस दिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स भी आपको दे रखे. तो आप सिंपल एक काम करना, डायरेक्टली फॉर्मेट बनाना, योर पर्टिकुलर्स डिस्काउंटिंग फैक्टर एट व्हाट रेट? 9%. फिर मशीन एक्स और बाजू में मशीन वाई. ऐसे फॉर्मेट में इसको सॉल्व करना चाहिए. यहां पर सीएफ और यहां पर डीसीएफ. वापस से सीएफ एंड DCF. Jipping. Samjha kya? And year zero. Outflow hai na year zero ka. Machine X ka kitna hai? Jo bhi directly outflow aayega. Barabar hai kya? Idhar aur idhar. Phir year one se lekar two tak. Aur idhar year one se lekar three tak. स्क्रैप वैल्यू कुछ है क्या? नथिंग ना. इधर भी आउटफ्लो आएगा. 1-2 कौन से मशीन का लाइफ है? वाई का है. तो वाई के सामने आउटफ्लो आएगा. 1-3 जो भी आउटफ्लो है वो एक्स के सामने आएगा. मतलब समझा क्या मैंने ना? 1-2 कॉमन नहीं लिया दोनों जगह, और थर्ड अलग से नहीं लिया. कितना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो ना. 1-2 कॉमन लो दोनों जगह, फिर थर्ड ईयर अलग से लो उसी मशीन में जिस ईयर में थर्ड ईयर है. उससे अच्छा जिस मशीन का जो लाइफ है 1-2, 1-3 एक ही बार आएगा. बराबर है क्या? सॉल्व करने के लिए भी आसान रहेगा ना. यस. अब स्क्रैप वैल्यू वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए डायरेक्टली यही मेरा फाइनल आंसर रहेगा. यहां पर मेरा एनपीवी आ जाएगा. ऑब्वियसली निगेटिव आएंगे. लेसर निगेटिव एनपीवी सिलेक्ट करना चाहिए अगर लाइफ सेम है तो, बट यहां पर लाइफ सेम नहीं है इसलिए ये टेबल क्लोज होगा. यहां के एनपीवी निगेटिव रहेंगे. बराबर है क्या? बराबर है क्या? फिर हम क्या बोलेंगे? नोट, सिंस लाइफ ऑफ बोथ द मशीन्स इज नॉट सेम, वी यूज ईएवी टू अराइव एट कंक्लूजन. अब हम बोलेंगे वेयर ईएवी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला डिस्कस किया था अपन ने, याद है ना? एनपीवी डिवाइडेड बाय पीवीएफ आर कॉमा एन. जहां पर मशीन एक्स है वहां पर 3 सालों का पीवीएफ डिवाइड होगा, और जहां पे मशीन वाई है वहां पर 2 सालों का पीवीएफ डिवाइड होगा, और फिर आपका ईएवी आ जाएगा. ऑफ कोर्स ईएवी भी जो है वो निगेटिव ही आएगा, और आप क्या करोगे? लेसर निगेटिव ईएवी को सिलेक्ट करोगे. आप सबने सॉल्व किया इस तरीके से, और आप सबका लेसर निगेटिव ईएवी कहां का आया? मशीन एक्स का आया. वेरी गुड, वंडरफुल. तो सबको कोई क्वेरी नहीं है? इसी मेथड से आपका आंसर आना चाहिए. प्रेजेंटेशन ऐसा दिखना चाहिए. ऐसे सॉल्व किया तो क्या होगा सर? ऐसा कुछ नहीं, ये भी मेथड सॉल्व कर सकते, बट बस इसकी आदत नहीं, हम क्लास में ऐसे कभी नहीं सॉल्व करते थे. ये थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड दिखता है इसलिए. प्रॉब्लम नंबर 6, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हमारे. सबका ध्यान है क्या? बोलिए. सिक्स्थ क्वेश्चन, किसको नहीं जमा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. सिक्स्थ, सभी को जमा, इजी है. फर्स्ट पार्ट में दिक्कत आई थी.
अलग था, बट जमा क्या हुआ आपको? अलग था इसलिए क्वेश्चनर में, इजी होता तो क्वेश्चनर में होता भी नहीं. LA Private Limited is planning to invest in a machinery that would cost rupees 1 lakh at the beginning of year 1. Tell me one thing, what is beginning of year 1? Year 0. दिमाग लगा के सीधा इधर लिख देना चाहिए एग्जाम में भी, ताकि कंफ्यूजन ना हो. गलती से ईयर 1 लिख देंगे ना, पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग चला जाएगा आपका. ठीक है. नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैव बीन एस्टिमेटेड टू बी 36,000 पर एनम फॉर 3 इयर्स. द कंपनी हैज टू ऑप्शंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मशीन. One is service and another is replacement of parts. If company opts to service a part of the machine at the end of year 1 at rupees 20,000, in such a case the scrap value at the end of year 3 will be 25,000. However, if the company decides not to service the part, it will have to be replaced at the end of year 2 at rupees 30,800. And in that this case the machine will work for फोर्थ ईयर ऑल्सो, क्योंकि रिसेंटली आपने चेंज किया ना उसको, इसलिए फोर्थ ईयर में भी कंपनी का वो मशीन काम करेगा. एंड गेट ऑपरेशनल कैश इनफ्लो ऑफ रुपीज 36,000 एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर. इट विल बी स्क्रैप्ड एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर फॉर 18,000 रुपीज. अज्यूमिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% एंड इग्नोरिंग टैक्सेस, डिटरमाइन द परचेस ऑफ दिस मशीन बेस्ड ऑन एनपीवी ऑफ इट्स कैश फ्लो. इफ द सप्लायर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10,000 फॉर परचेस, Would your decision change? क्या समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? एक सर्विसिंग अभी से कर 3 सालों तक हम प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं, या तो सीधा सीधा सर्विसिंग को इग्नोर करेंगे, सेकेंड ईयर में पार्ट का बैंड बजेगा उसको रिप्लेस करेंगे और फिर मशीन 3 सालों की जगह 4 साल तक चल सकती है. समझे? तो एक ऑप्शन है अपने पास सर्विस एंड यूज, दूसरा ऑप्शन है replace the part and use for 4 years. बराबर क्या? तो इसका solution क्या होगा? solution क्या होगा इसका? Zeroth year में आपका outflow कितना रहेगा? 1 lakh. First year, second year कितना है? First, second and third year कितना है? 36,000. Inflow. Everybody. Yes or no? And एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सर्विसिंग करेंगे अगर, तो सर्विसिंग का कॉस्ट कितना है? 20,000 है. और फिर स्क्रैप वैल्यू कितना मिलेगा? फिर स्क्रैप वैल्यू आएगा 25,000. कौन से ईयर में? थर्ड ईयर पर. बराबर क्या? तो फिर ये एक्चुअली आपका आउटफ्लो आएगा आपके आंसर में. किया क्या आपने आउटफ्लो? अलग अलग सॉल्व किया आपने. ईयर 0 कुछ आउटफ्लो है क्या? हमें डायरेक्टली यहां पर कैश फ्लो लिख रहा हूं. ठीक है, ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर DCF 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर. बराबर. ईयर 0 का आउटफ्लो 1 लाख, फिर ईयर 1 से लेकर ईयर 3 तक, और सर्विसिंग का कॉस्ट कितना है? 20,000. वो आपका सेकेंड ईयर में हो रहा है ना? अच्छा, फर्स्ट ईयर में, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में है. नो प्रॉब्लम. कितने का है? 20,000. तो 0 के बाद 1 लिख सकते हो, 1-3 लिख सकते हो. बराबर. और फिर थर्ड ईयर का आपका स्क्रैप वैल्यू आएगा कितने का? 25,000 का. इसका आंसर आ जाएगा एक करेक्ट. ये कौन सा ऑप्शन है? सर्विस एंड यूज, करेक्ट. एंड वर्सेस इसके दूसरा ऑप्शन क्या है? रिप्लेस. मतलब सर्विस मत करो, पहले वो पार्ट की बैंड बजाओ, फिर रिप्लेसमेंट करके एक्स्ट्रा 1 साल मिल जाएगा. बराबर. तो 0 आउटफ्लो होगा कितने का? 1 lakh का. 1-4 इयर्स कितने का इनफ्लो? 36,000 का. सेकेंड ईयर में रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट है, थर्ड नहीं, सेकेंड ईयर में. सेकेंड ईयर में कितने का है? 30,800 का. और फिर फोर्थ ईयर में स्क्रैप वैल्यू 18,000 का. बस इसको सॉल्व करना है, जहां का एनपीवी हायर है उसको सिलेक्ट करना है. राइट. तो कहां का एनपीवी हायर आता है? सेकेंड ऑप्शन में. ओके.
किसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, तो यहां तक का पार्ट समझा गया। अब लास्ट से एक और सेंटेंस यहां पे दिया हुआ है, इफ सप्लायर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹10,000 फॉर परचेज, व्हाट वुड बी योर डिसीजन? अगर सप्लायर आपको डिस्काउंट देगा तो उस केस में आपका कॉस्ट कितना आएगा? कितना? 90,000। और फिर 90,000 से उसको सॉल्व करना है आपको, तो 90,000 से सॉल्व करेंगे अगर, एनपीवी आपका 10,000 से कम हो जाएगा दोनों जगह, हाँ ज्यादा हो जाएगा क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है वो, तो आपका एनपीवी ज्यादा हो जाएगा। मगर आपका डिसीजन चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एनपीवी हायर हो रहा है वो दोनों जगह हो रहा है और वो भी इक्वल अमाउंट से हो रहा है, तो इफेक्ट इंपैक्ट नहीं होगा ना। तो उसको अलग से सॉल्व करने की ऐसे जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा गिवन एनपीवी जो भी आपके आए थे, गिवन मतलब जो भी निकाले थे तुमने, उसमें 10,000 ऐड कर दो और आप बोल दो ऑप्शन वन में इतना, ऑप्शन टू में इतना। नहीं नहीं इन्होंने क्या बोला है, सप्लायर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10,000। अरे वो सप्लायर डिस्काउंट जो दे रहा है ना वो उस पार्ट में दे रहा है, आपका जो पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं ना आप, हाँ तो परचेज ऑफ पार्ट है वो, मेन मशीन पे नहीं लग रहा है मुझे वो। आपका पार्ट कितने का है? 30,800, उस पे 10% का डिस्काउंट है, 10,000 का डिस्काउंट 30,800 वाले पार्ट पर है। इफ द सप्लायर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10,000 ओके फॉर परचेज, आप एक जगह सर्विस कर रहे हो एक जगह पार्ट परचेज कर रहे हो, उस एंगल से परचेज ये वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट सेकंड ऑप्शन में आ जाता है। नहीं ये सेकंड पार्ट तो अलग है ना बेटा, सेकंड पार्ट तो ऑल टुगेदर अलग है क्वेश्चन का, और इस पार्ट के अंदर अगर ये सेकंड पार्ट के अंदर ये लोग डिस्काउंट फॉर परचेज बोल रहे हैं, सर्विस नहीं बोल रहे, फॉर परचेज बोल रहे, तो परचेज ऑफ प्लांट पे पार्ट पे आ जाएगा। तो आपको सिर्फ सेकंड वाला जो एनपीवी है वो 10,000 से बढ़ाना है। आपके एनपीवी का गैप कितना है? फर्स्ट वाले एनपीवी का आंसर कितना है आपका? 10,000 for purchase. ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर मतलब एट जीरो ईयर का लेना रहेगा तो आप यहाँ पे लिखना चाहिए क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन डिस्काउंट ऑफ 10,000 फॉर परचेज इज अज्यूम टू बी फॉर परचेज ऑफ मेन मशीन विच विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ द केसेस, ऐसा क्लियरली लिखना चाहिए आपने, लिखो उधर। द डिस्काउंट ऑफ ₹10,000, द डिस्काउंट ऑफ ₹10,000 is assumed to be applicable for purchase of main machine hence applicable in both the cases. Then, नहीं फिर पार्ट वाला अगर मानना होगा ना तो आपको 10,000 नहीं लेना पड़ेगा, 10,000 का सेकेंड ईयर का डिस्काउंटेड वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपका आउटफ्लो 30,800 की जगह 20,800 होगा, मतलब 10,000 का आउटफ्लो कम है, मगर ईयर पूरा सॉल्व करोगे तुम, उससे अच्छा गिवन एनपीवी को एडजस्ट कर लो ना आप।
आंसर में तो उन्होंने सेकंड ऑप्शन में ऐड किया है, मगर फर्स्ट ऑप्शन में ऐड नहीं किया है, मगर सेकंड ऑप्शन में उन्होंने पूरा 10,000 ऐड किया, जो कि गलत हो जाता है। फिर 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू उन्होंने करना चाहिए था, क्योंकि 10,000 का अगर वो सिर्फ आप पार्ट का रिप्लेसमेंट पे डिस्काउंट बोल रहे हो तो उसको सेकेंड ईयर का आउटफ्लो कम मानना पड़ेगा ना, तो वो भी एंगल से वो गलत है। ठीक है, चलिए नाउ कमिंग टू सेवेंथ वन, क्वेश्चन नंबर सेवन। सब लोग रेडी है क्या? सॉल्व किया था आपने इसको घर पे, हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन? क्या इजी है ये? नवजीवनी हॉस्पिटल इज कंसिडरिंग परचेज ऑफ अ मशीन फॉर मेडिकल प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफी विच इज प्राइस्ड एट ₹2 lakhs। द प्रोजेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 8 years। इट हैज एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू सैलवेज वैल्यू ऑफ 18,000 एट द एंड ऑफ 8th ईयर। द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 22,500 एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू ऑफ ₹1,20,000 पर ईयर फॉर 8 years। Presently, the hospital is outsourcing the radiography work to its neighbor test center and is earning commission income of 36,000 per year net of taxes. Required, whether it would be profitable for the hospital to purchase the machine, give your recommendation under NPV and PI. Consider tax 30%. Present value factors 10% are given to you. Year 1 से 8 तक 3 decimal factors आपको दिए, वही आपको यूज करने हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि हॉस्पिटल अपना है, अपन नया मशीन खरीदेंगे, रेवेन्यू आएगा, एक्सपेंस होगा, नेट रेवेन्यू आएगा, डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, टैक्स शील्ड भी मिलेगा, आफ्टर टैक्स जो भी वो डेप्रिसिएशन को एडबैक करना है वो भी करना पड़ेगा, बट ये सब होगा। एट द सेम टाइम अपन बाजू के नेबरिंग सेंटर में जब आउटसोर्स करते थे तो उनसे कमीशन भी आता था, वो लॉस ऑफ कमीशन भी आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, मतलब उसको आउटफ्लो मानना पड़ेगा, क्योंकि जो कमीशन नहीं आ रहा है वो आउटफ्लो हो गया। करेक्ट, जो कॉस्ट बच जाता है, जैसे उसको आप सेविंग बोलकर इनफ्लो लेते हो, वैसे ही जो रेवेन्यू नहीं आता है वो आउटफ्लो हो गया। करेक्ट, तो ये सब कंसिडर करना पड़ेगा आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए रेवेन्यू 1,20,000, ऑपरेशनल कॉस्ट 22,000, नेट रेवेन्यू आया, डेप्रिसिएशन लेस किया, नेट इनकम आया, टैक्स लेस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, एडबैक डेप्रिसिएशन करके ये फाइनल आंसर आ सकता था अगर कमीशन नहीं होता तो। ये लॉस ऑफ कमीशन जो है ये भी लेस कर नेट ये लेना पड़ेगा आपको, समझे कि नहीं? एवरीबॉडी जेपा एंड आपका 8th ईयर का टर्मिनल कैश फ्लो, तो इसका 0th ईयर का आउटफ्लो कितना होगा? 2 lakhs। 0th ईयर का आउटफ्लो कितना होगा? 2 lakhs। तो इसका प्रेजेंटेशन क्या आएगा? इनिशियल कैश फ्लो 2 lakhs, इंटरिम कैश फ्लो में ये पूरा वर्किंग आएगा, और फिर टर्मिनल कैश फ्लो में आपका स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन आएगा। हाउ मच इट इज? 18,000। समझे कि नहीं? तो इसका फिर एनपीवी स्टेटमेंट बनेगा ईयर। सपोज डायरेक्टली मैं कैश फ्लो दिखाता हूं आपको, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10% एंड डीसीएफ। करेक्ट, तो मेरा जीरो ईयर का आउटफ्लो 2 lakhs और 1 से लेकर 8th ईयर, फिर 8th ईयर। करेक्ट, 1 से लेकर 8th ईयर मेरा कैश फ्लो कितना आया? नहीं, 39,095 एंड 8th ईयर में आपका टर्मिनल कैश फ्लो 18,000। बस इसको डिस्काउंट करके आपको एनपीवी निकालना है, समझे कि नहीं? आंसर में वो तो 8th ईयर में उसको एडजस्ट कर दिया उन लोगों ने, 8th ईयर का अलग से नहीं, 1-7 अलग दिखाया और 8th अलग दिखाया उन्होंने। आपको अपने मेथड से सॉल्व करना है बस। मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे चीज बेस्ट क्या है, इनके सॉल्यूशंस मत देखो, आपके सॉल्यूशन से सॉल्व करो, फाइनल आंसर मैच होने ही वाला है। आपका आंसर कितना आया? मैच हुआ क्या इनके साथ? हाँ, वो जो डेसिमल इन्होंने दिए क्वेश्चन में वही लेने पड़ेंगे अपने को। फिर क्वेश्चन में 3 decimal दिए ना, तो 3 decimal से ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। आपका आंसर 16,832 आता है, इसी माना चाहिए ना, 16,832 आना चाहिए, क्योंकि 3 decimal उन्होंने क्वेश्चन में दिए, सॉल्यूशन में अपन ने 3 decimal ही लेना पड़ेगा अपने को। नहीं, पूरा नहीं ले सकते हो, क्योंकि एग्जाम में ये रॉन्ग जाएगा, फिर आपको कैलकुलेशन के मार्क्स कट करेंगे वो लोग, क्योंकि क्वेश्चन में
प्रिंटेड था आपका फैक्टर। जब भी फैक्टर प्रिंटेड होता है यूनिफॉर्मिटी के लिए होता है, सबके आंसर सेम आने चाहिए इसलिए होता है वो। इंटर लेवल पे उनको ये डाउट नहीं कि आपको फैक्टर नहीं आता, उनको ये बराबर मानने में फैक्टर निकालने आते हैं, मगर कैलकुलेशन में एरर्स हो सकते हैं इसलिए ये लोग फैक्टर देते हैं। राउंड ऑफ में इनको दिमाग नहीं लगाना इसलिए इन्होंने फैक्टर दिया है। तो क्या करना चाहिए आपने, मशीन परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है और इसका ही पीआई निकालना रहेगा। तो कुछ नहीं करना आपको, एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपका पीआई 1.08 समथिंग आता है, ये भी ग्रेटर देन 1 है, इसलिए हमने बोलना चाहिए मशीन परचेस कर लो। राइट, लास्ट क्वेश्चन, द 8th क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट। एक्स वाई जी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट विद अ प्रोडक्ट लाइफ ऑफ 8 years। इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट इज 3.5 crores। एडिशनल इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 25 lakhs विल बी परचेज एट द एंड ऑफ ईयर 3। अंडरलाइन किया क्या? फ्रॉम कैश इनफ्लो ऑफ दिस ईयर एट द एंड ऑफ ईयर 8, एट द एंड ऑफ 8 years ओरिजिनल इक्विपमेंट विल हैव नो रीसेल वैल्यू बट एडिशनल इक्विपमेंट कैन बी सोल्ड फॉर 2,50,000। अंडरलाइन किया इसको। अब ये सोल्यूशन सॉल्व करते वक्त इन्होंने उसको इग्नोर किया, ये इसका इंपैक्ट ही नहीं लिया शायद उन्होंने, जहां तक मेरा मेमोरी है। देखते वर्किंग कैपिटल ऑफ रुपीज 40 lakhs विल बी नीडेड एंड विल बी रिलीज्ड एट द एंड ऑफ 8th ईयर। मतलब वर्किंग कैपिटल आपको कब इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ईयर के मतलब प्रोजेक्ट के स्टार्ट में, ताकि प्रोजेक्ट रन हो। मतलब 40 lakh rupees इज योर इनिशियल ईयर का कैश आउटफ्लो बट 8th ईयर का कैश इनफ्लो। तो वो आउटफ्लो भी और इनफ्लो भी है तो इग्नोर कर दूं क्या? नहीं, क्योंकि 0 year का आउटफ्लो है और इनफ्लो जो है वो 8th ईयर का है, तो लेना पड़ेगा, समझे। द प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस्ड विद सफिशियंट अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल, मतलब डेट नहीं लिया जा रहा है। द सेल्स वॉल्यूम ओवर 8 years हैव बीन एस्टिमेटेड एज फॉलोज, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईयर जो भी 8 year के आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 240 एंड वेरिएबल इज हाउ मच? 60% ऑफ सेल्स रेवेन्यू, निकालो जरा कैलसी, और 240 का सीधा 40% ले लो, 96, क्या ये कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अरे सर ये क्यों किया? सेल्स इज कैश इनफ्लो, वेरिएबल कॉस्ट इज कैश आउटफ्लो, तो मैंने नेट इनफ्लो ही ले लिया डायरेक्ट, सही है ना। एंड 96 rupees पर यूनिट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैं क्या करूंगा, इसको नंबर ऑफ यूनिट जो ऊपर दिए उससे मल्टीप्लाई करके मेरा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालूंगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? एंड देन दे आर सेइंग फिक्स्ड कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट विल अमाउंट टू 36 lakhs पर ईयर। तो हर बार टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन में से लेस करना पड़ेगा आपको 36 lakhs। लॉस ऑफ एनी ईयर विल बी सेट ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिक्वेंट 2 years, मतलब कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस करो, बराबर है कि नहीं? मगर कब तक? अगले 2 सालों तक। द कंपनी इज सब्जेक्ट टू 30% टैक्स and consider 12% to be appropriate after tax cost of capital for this project. Company follows a straight line method of depreciation required. Calculate the net present value of the project and advise the management to take appropriate decision. Note, the present value factor for 12% are 1, 2, 3, 4, 8 years तक के 3 decimal फिर से factor दिए, तो 3 decimal ही लेना पड़ेगा। Yes, इसका calculation मजा आएगा, ध्यान से देखो। अभी फर्स्ट आई विल टेक इनिशियल कैश फ्लो, यस और नो? मैं पर्टिकुलर रुपीज कर एक्चुअली एक एक करके लिखता हूं, बट यहां पर अभी अपन क्लास में डिस्कस कर रहे हैं इसलिए डायरेक्टली अमाउंट ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं। बोलिए इनिशियल आउटफ्लो कितने का लू? 3.5 crores प्लस 40 lakhs का वर्किंग कैपिटल, कितना हो गया? 3.9 crores। Everybody, then second will be interim cash flow. इसमें देखिए year, number of units, contribution at the rate 96 per unit. तो ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। फिर अगर आपको नहीं समझ रहा होगा तो मैं ये नीचे रेफरेंस बना रहा हूं, ए बी सी इज इक्वल टू बी इंटू 96, समझा कि नहीं? अभी
ये आ गया मेरा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे इसलिए फिक्स कॉस्ट आपका डी आइटम आएगा, फिर डेप्रिसिएशन, एसएलएम है कि डब्ल्यूडीवी है, एसएलएम है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, ई रखते हैं इसको, ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एफ विल बी, बोलिए, एफ इज इक्वल टू सी माइनस डी माइनस ई, एवरीबॉडी एंड व्हाट, यहां तक पहले सॉल्व करना पड़ेगा आपको, योर 1 2 3 4 क्या है वो, अच्छा इन्होंने ना कुछ इयर्स इन्होंने कंबाइन किए, 4 to 5 एंड 6 to 8, तो मैं भी कंबाइन कर दूं क्या, कर सकते हैं, बिकॉज इस केस में डेप्रिसिएशन एसएलएम पर है, अगर डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी होता तो मैं अलग 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 दिखाता आपको, याद है क्लास में एक सॉल्व किया था अपन ने क्वेश्चन, ऐसी टाइप का क्वेश्चन था रणबीर लिमिटेड वाला, तो उसमें अपन ने अलग अलग दिखाया, बिकॉज भले ही 4-6 था उसमें, मगर हर साल का डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी बेसिस पर था, अब यहां पर इन्होंने क्या बोला, 3 अलग है, 4-5 6-8, ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, 72 108 260 270 180, ये यूनिट्स है, हाँ यूनिट्स है ना, ये इन थाउजेंड्स, बराबर क्या, इन थाउजेंड्स, इसको मल्टीप्लाई बाय 96 करके आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, सुनते जाओ अभी सॉल्व नहीं करना है अपने को, इसको मल्टीप्लाई बाय 96 करके आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट कितना लेंगे हर बार, 36 लाख का, यस और नो, तो हर बार 36 लाख आएगा फिक्स कॉस्ट, फिर आएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, एसएलएम आपका इक्विपमेंट का कॉस्ट कितना है, 3.5 करोड़, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है, 0 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स कितने, 8, कितना है पर ईयर, 43 लाख में, नहीं है हर बार डेप्रिसिएशन सेम आएगा, अब मुझे सिर्फ फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट निकाल, एडिशनल वाले का भी डेप्रिसिएशन आएगा ना, फोर्थ ईयर से आएगा, एडिशनल वाले का डेप्रिसिएशन फोर्थ ईयर से आएगा क्या, थर्ड ईयर में परचेस किया जा रहा है, कितने का इक्विपमेंट है वो, 25 लाख, लो कैलसी पे 25 लाख, माइनस करो उसमें से स्क्रैप वैल्यू 2,50,000 का, और डिवाइड करो नंबर ऑफ इयर्स कितने रिमेनिंग है, 4, 5, 6, 7 और 8, 5 साल, 5 साल रिमेनिंग, डिवाइड बाय 5, 4,50,000, 4,50,000 4,375 में ऐड करो, कितना, 48.25, ये दो इयर्स, दो नीचे के दो इसमें आएगा, सही जा रहे हो क्या, कैसे ऐड हुआ डेप्रिसिएशन, वो एडिशनल इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन ऐड हुआ, ठीक है, अब सिर्फ एक काम करो, फर्स्ट ईयर का जरा कैलकुलेशन करो, 96 into 72,000 नहीं चाहिए, लैक्स में चाहिए मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूं, 96 into 72,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करो, लैक्स में कितना, 69.12 लैक्स, बराबर है क्या, आप माइनस करो जरा 36 लाख का फिक्स कॉस्ट और माइनस करो आपका डेप्रिसिएशन 43.75 लाख का, तो आपका फर्स्ट ईयर में लॉस आता है कितना, क्या लॉस, 10.63 का लॉस आ रहा है, आया कि नहीं, क्या किया फिर आपने, इसको सेट ऑफ करेंगे ना अगले साल के इसमें, तो एक्चुअली यहां पर आना चाहिए कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जी 10.63 का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, बराबर है कि नहीं, और फिर टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा जो फर्स्ट ईयर में जीरो आएगा, राइट, और फिर आना चाहिए टैक्स, और लास्ट में आना चाहिए सीएफएटी, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, सबको समझा कि नहीं, ध्यान से सुनो, भले ही मेरे पास वहां पे स्पेस नहीं है लिखने के लिए, मगर फॉर्मेट आपको समझा है, ठीक है, टैक्सेबल प्रॉफिट के आगे क्या लिखा है, टैक्स, ऑब्वियसली टैक्स किस पर अप्लाई होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट पर होगा, और फिर सीएफएटी आएगा, सीएफएटी कैसे कैलकुलेट होगा मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, अब सेकेंड ईयर का जरा निकालो नंबर, 96 into 108,000 और फिर डिवाइड बाय 1 लाख करके, लैक्स में कितना है,
3.68 लाख, इसमें से माइनस करो 36 लाख, माइनस करो 43.75 लाख, पॉजिटिव 23.93 पॉजिटिव नंबर आया। तो अब क्या करेंगे, ये जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस था इसको जीरो करेंगे, और ये जो 23.93 इसमें से 10.63 लेस करो, 13.3 का टैक्सेबल प्रॉफिट आया। समझे कि नहीं कैलकुलेशन? इस तरीके से आपको वर्किंग दिखानी चाहिए। एक्चुअली उन्होंने कुछ नहीं दिखाया आपके आंसर में, बट ऐसा दिखाना पड़ता है। कुछ नहीं करना है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का अलग कॉलम है, टैक्सेबल प्रॉफिट अलग कर दिया। नॉर्मली आप किस पे टैक्स लगाते हो? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मैं किस पे लगाऊंगा? टैक्सेबल प्रॉफिट पे लगाऊंगा। समझ गए सर? अगर सेकंड ईयर में लॉस आता तो मैं वो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में ऐड कर देता और थर्ड ईयर के अगेंस्ट सेट ऑफ करता। सिंपल। आपको ये पूरा समझ गया? अब ध्यान से सुनो, मैं सीएफएटी के लिए क्या करने वाला हूं। ये एच है, ये आई है, वो जे है, बराबर। मैं क्या करूंगा ध्यान से सुनो, जे इज इक्वल टू, मतलब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू, बोलिए कोई ट्राई करना चाहेगा? इसको आप सेकेंड मेथड से सॉल्व करो। कल जो डिस्कस किया था वो सेकेंड मेथड से सॉल्व करो, कल के लेक्चर का डिस्कशन जो किया था अपने, सेकेंड मेथड से सॉल्व करो इसको। बोलो कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड। माइनस फिक्स कॉस्ट, मतलब सी माइनस डी हुआ। बोलो कॉन्ट्रीब्यूशन आपका इनफ्लो है कि नहीं है? इनफ्लो है। फिक्स कॉस्ट आपका इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? आउटफ्लो है, लेस कर दिया। डेप्रिसिएशन क्या है? कुछ नहीं है, नॉन कैश है ना, छोड़ दो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है? कुछ नहीं है, ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या है? कुछ नहीं है। टैक्सेबल प्रॉफिट क्या है? कुछ नहीं है। टैक्स क्या है? आउटफ्लो। तो माइनस करो डायरेक्टली आए, खत्म विषय। समझे कि नहीं? सीएफएटी लास्ट कॉलम विल बी नथिंग बट कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस टैक्स। आर यू जेपिंग? समझा कि अच्छे से? सो इस तरीके से सॉल्व होगा, और उसके बाद आपका टर्मिनल कैश फ्लो आना चाहिए, बराबर है क्या? आपका टर्मिनल कैश फ्लो आना चाहिए कि नहीं? इन्होंने लिया क्या? देखो एट ईयर में इनके एनपीवी स्टेटमेंट में इन्होंने डायरेक्टली क्या किया? 40 लाख लिया है एट ईयर में। उस 40 लाख के साथ क्या ऐड होना चाहिए था? 42.5 टोटल होना चाहिए था, मतलब 2.5 का क्या ऐड होना चाहिए? वो स्क्रैप वैल्यू, सैलवेज वैल्यू। किस चीज का? एडिशनल इक्विपमेंट का। ये देखो ये सॉल्यूशन है आपके सामने, दिख रहा है आपको? 40 लाख, इसको बना दो 42.5। समझा अभी कि क्वेश्चनेयर बुक सॉल्व बनाते वक्त मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन क्यों लिए? मॉड्यूल के क्वेश्चन में ही मिस्टेक होते हैं। ये 40 लाख क्या है? वर्किंग कैपिटल का रिकवरी है, बराबर है क्या? और 2.5 लाख क्या है? एडिशनल इक्विपमेंट का स्क्रैप वैल्यू है। वो दोनों लेने के बाद इधर का आंसर चेंज होगा और फिर आपका एनपीवी भी चेंज हो जाएगा। यहां पे लिखिए रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल प्लस क्या बोलोगे? सैलवेज वैल्यू ऑफ एडिशनल मशीन, बराबर कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपका यहां पर आंसर 16.16 की जगह कितना आता है? 17.17। तो उस लॉजिक से आपका एनपीवी कितना आना चाहिए? 161.11 आता है क्या? चेक करो एक बार सब लोग। एवरीबॉडी 17 पॉइंट, इधर 17 लो, 17.17 लेना चाहिए और फिर आपका एनपीवी भी चेंज हो जाएगा। 161.11 फाइनल आंसर है। यस, सो कंसिडर दिस चेंजेस व्हेन यू सॉल्व द आंसर, ओके? योर मॉड्यूल आंसर्स। सर ये, सर यही 5 से 10 साल
टैक्स बेनिफिट हो गवर्नमेंट की तरफ से एंड लॉसेस भी हो। नहीं समझा विकास क्या बोल रहे आप। चलिए लास्ट एंड फाइनल, ज्यादा लेंदी क्वेश्चन और उससे भी ज्यादा लेंदी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, आप सबने ट्राई किया क्या? नहीं किया कि क्वेश्चन देख के डर गए आप? 8 तक ही हुआ है सबका, 8 तक ही हुआ है। 9th हो गया, जम गया आपको पूरा, फॉर्मेट तक पहुंचे थे। तो 9th क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे पहले तो ज्यादा मजा आएगा डिस्कशन में। और रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग हम कल स्टार्ट करके कल खत्म करने वाले हैं। इसके अंदर वैसे भी 6 ही क्वेश्चन है और उसमें से भी रिपीटेड क्वेश्चन एक आध दो है। तो रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग विल डिस्कस टुमारो, अलॉन्ग विद दैट विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। एंड रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग के फॉर्मुलेज ही आपको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह ये सब, सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये सब है। तो एक बार जस्ट गो थ्रू करना है तो कर लेना। कल हम लोग रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग एंड करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस एफएम क्वेश्चनियर बुक। सो डू वन थिंग, इट माइट बी लेंदी बट सॉल्व इट। एंड एक बात बताऊं मैं कि ऐसे लेंदी क्वेश्चंस मैं एडवाइज ही नहीं करता कि आप एग्जाम में सॉल्व करो, बट फिर भी ये मैनेजेबल था इधर दे दिया। आप कैश बजट नाम का टॉपिक जो है ना वर्किंग कैपिटल में, उसके कुछ क्वेश्चंस देखना, आप अगली बार देखोगे भी नहीं। सॉल्व करना तो दूर की बात है, जब देखोगे पहली बार तब भी सॉल्व नहीं करोगे और अगली बार वो क्वेश्चन को भी नहीं देखोगे आप। इसलिए वो क्वेश्चन यहाँ पे दिए भी नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन आईसीए का ट्रैप होता है। वो क्वेश्चन आता है एग्जाम में 10 मार्क के लिए, 10 मार्क छोड़ दे क्या? यस छोड़ दो, बिंदास छोड़ दो बाजू वाले के लिए। क्योंकि जब आप 90 मार्क्स पे फोकस करोगे तो आपका पेपर जो है वो 2 आवर 30 मिनट से 40 मिनट के बीच में खत्म हो जाएगा और फिर बचा हुआ 10 20 मिनट 5 मिनट क्यों ना हो वो लास्ट क्वेश्चन पे इन्वेस्ट करके जो भी आपने छोड़ा है कैश बजट का उसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। इजी इजी पार्ट जो भी रहेगा वो लिख दो, जय माता दी छोड़ दो, टाइम खत्म, आपका पेपर भी खत्म। अगर ऐसे लेंदी क्वेश्चन आप बीच में डाल दो सॉल्यूशन सॉल्व करते वक्त वाट लग जाएगा क्योंकि आप 10 मार्क का वो क्वेश्चन के लिए 90 मार्क्स खतरे में डाल रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसी कैटेगरी का ये भी क्वेश्चन है, लेंदी है बट फिर भी सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए तो हम लोग कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे थे और कैपिटल बजटिंग में हमने कल 8 क्वेश्चंस कवर किए, आज हम 9th क्वेश्चन को कैटर करने वाले। 9th क्वेश्चन थोड़ा हटकर था और थोड़ा लेंदी भी था, तो आई एम श्योर कि आप सबने ट्राई किया रहेगा। 9th क्वेश्चन किया पर आया नहीं, क्यों नहीं आया आपको, क्या हुआ? आंसर से डिफर हो रहा था, कुछ तो प्रॉब्लम है, ये क्यों क्या हो गया इसको, कैमरा को कुछ प्रॉब्लम हो गया शायद। जस्ट अ मिनट, बारी बोल दो ना। जस्ट ठीक हो गया वापस चीज शायद, पता नहीं कुछ इसका बैटरी वीक होने के बाद ऐसा होता है क्या? हाँ क्या बैटरी में प्रॉब्लम है? कैमरे की बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? डिस्कनेक्ट होके वो कनेक्ट हो रहा है शायद कुछ तो भी। हाँ बिग बिलियन डेज। हाँ? नया लाने वाले हो? कब तक आएगा? आ रहा है रैपिड रिवीजन के बाद आएगा। बिग बिलियन वैसे बाय द वे सेल के डेट्स क्या है? 23rd। अच्छा मुझे लगा आलिया कोई देखते होंगे ऐसे साइड में, डेट्स भी देखते नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते एक बार, बहुत ही इजी क्वेश्चन था एक्चुअली बट लेंदी था, ठीक है। सब लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ और 9th क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? अ लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इज कंसिडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन टू प्रोसेस द वेस्ट प्रोड्यूस बाय वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो अभी जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें कुछ वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए आप एक मशीन परचेस करना चाहते हो, समझ रहे बात आपको? और वो प्रोसेस करके क्या करेगा, उस वेस्ट को एक मार्केटेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब कैन वी से वी आर प्रोड्यूसिंग बाय प्रोडक्ट,
Yes, through that machine we are producing byproduct. At present, the waste is removed by the contractor for disposal on payment by the company of rupees 150 lakhs per annum for next 4 years. तो आपने उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ कितने सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? 4 सालों का. तो अगर आप मशीन परचेज कर लोगे तो आपको कहने से 150 लाख पर एनम देने की जरूरत नहीं है, और आपका 150 लाख पर एनम क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा, मतलब ही कैश इनफ्लो हो जाएगा. बट बात को यह भी समझिए कि जब जब आप 150 लाख पे करते थे तो आपका ये एक्सपेंस हुआ करता था जिस पर आपको मिलता था टैक्स शील्ड. अब क्या होगा? लॉस ऑफ टैक्स शील्ड भी आएगा. बात समझ रहे क्या आप? हर साल पीएनएल में डेबिट कितना हो रहा है? 150 लाख. वो 150 लाख पीएनएल में डेबिट होना अगर बंद हो जाए तो नो डाउट आपका पीएनएल का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, बट टैक्स शील्ड भी तो लॉस होगा ना. यस, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ द अफोर्सेड मशीन ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ 90 लाख रुपीज बिफोर द प्रोसेसिंग प्रोसेस स्टार्ट. मतलब आप अगर मशीन इंस्टॉल कर रहे हो और वो कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा? 90 लाख का कॉम्पनसेशन देना होगा उसको अभी ईयर जीरो में. प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के पहले देना है, मतलब कब देना है? ईयर जीरो में देना पड़ेगा. करेक्ट. अब ये बोल रहे आगे, दिस कॉम्पनसेशन इज नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन फॉर टैक्स. समझा कि नहीं कुछ? मतलब ये जो कॉम्पनसेशन आप पे कर रहे हो ये नॉन टैक्स डिडक्टेबल है, इसका मतलब इस पर टैक्स शील्ड नहीं मिलेगा आपको. तो कहने से पूरा 90 लाख आपका बस आउटफ्लो रहेगा ईयर जीरो में. यस और नो? यस. द मशीन इज रिक्वायर्ड, बाय द वे आई अंडरलाइन दिस 90 लाख. ओके, नाउ द मशीन इज रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट कितना? 600 लाख टू बी फाइनेंस्ड बाय लोन रीपेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर के एंड से आप लोन का रीपेमेंट स्टार्ट करोगे इक्वल 4 इंस्टॉलमेंट्स में. कितने का लोन लोगे आप? जितने की मशीन है. कितने की मशीन है? 600 लाख. तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब हर इंस्टॉलमेंट 150 लाख का होगा. करेक्ट ना? तो फिर 150 लाख का आपका क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा. समझे क्या? एंड इसके अलावा ये क्या बोल रहे हैं आपको? इंटरेस्ट रेट इज 14% पर एनम. करेक्ट. इंटरेस्ट रेट इज 14% पर एनम. तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रहेगा 600 लाख पर 14%, मगर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट रहेगा 600 माइनस 150 पर 14%, मतलब 450 लाख पर. थर्ड ईयर में और 150 लाख कम हो जाएंगे क्योंकि आप लोन का रीपेमेंट कर रहे हो, और थर्ड ईयर में इंटरेस्ट आएगा 300 लाख पर. लास्ट ईयर में इंटरेस्ट आएगा 150 लाख पर. आप समझ रहे मेरी बात को? और हर साल आपको क्या करना पड़ेगा? हर साल आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और प्रिंसिपल रीपेमेंट भी करना पड़ेगा. एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर द मशीन कैन बी सोल्ड फॉर रुपीज 60 लाख. बढ़िया है. लास्ट में मशीन कितने में बिक रहा है? 60 लाख. बट आगे पढ़ो क्या लिखा है. द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल एंड रिमूवल विल बी 45 लाख. मतलब जो मशीन बेच रहे हम 60 लाख में, उसको रिमूव करके डिसमेंटल करने में हमको कितना खर्चा लग रहा है? 45 लाख. तो हमारा नेट कैश इनफ्लो 15 लाख का ही आ रहा है सिर्फ. समझे कि नहीं? कौन से ईयर में आएगा ये 15 लाख? लास्ट फोर्थ ईयर में. कहने से इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 15 लाख मेरा रहेगा टर्मिनल कैश इनफ्लो. करेक्ट. सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इमर्जिंग फ्रॉम वेस्ट प्रोसेसिंग फॉर द 4 ईयर्स आर एस्टिमेटेड एज अंडर. तो जो आप वेस्ट को रिमूव कर प्रोसेस कर एक प्रोडक्ट बना रहे हो ना, तो वो प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो रेवेन्यू आएगा और वो प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा रहेगा उसके डिटेल्स आपको नीचे अलग से दिए. आपको बोला है कि सेल्स, वो जो नया प्रोडक्ट आप जनरेट कर रहे हो उसको आप बेचोगे, उससे आपको रेवेन्यू मिलेगा. तो सेल्स इज योर कैश इनफ्लो. आय इनफ्लो. मटेरियल कंज्यूम्ड इज कैश आउटफ्लो. वेजेस इज कैश आउटफ्लो. अदर एक्सपेंस इज कैश आउटफ्लो. फैक्ट्री ओवरहेड्स इज कैश आउटफ्लो. डेप्रिसिएशन इज ओनली एक्सपेंस, नॉट अ कैश आउटफ्लो. बराबर. और डेप्रिसिएशन के आगे क्लियरली लिखा है, क्या लिखा है? एज पर इनकम टैक्स. इसका मतलब क्या हुआ? WDV बेसिस पर जो भी रेट्स एप्लीकेबल रहेंगे, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने बोला इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से जितना डेप्रिसिएशन अलाउेबल है उतना दिया इन्होंने. तो बस आपको क्या करना है, आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे अराइव करने के लिए ये डेप्रिसिएशन के फिगर्स आपको लेस कर अराइव करना है. समझे क्या?
Now they are saying initial stock of materials required before commencement of the processing operations is rupees 60 lakhs at the start of year one. मतलब ऐसा समझ लो रॉ मटेरियल का स्टॉक आपको एक्वायर कर रखना होगा खुद के पास, कितने का? 60 लाख का. तो 60 लाख विल बिकम इनिशियल कैश आउटफ्लो. जैसे मशीन का 600 लाख आपका आउटफ्लो रहेगा, ये भी आपका आउटफ्लो रहेगा. बट मशीन का हमारा आउटफ्लो हम दिखाएंगे नहीं. क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि बोरोइंग कर फाइनेंसिंग हो रहा है, आपके जेब से कुछ नहीं जा रहा है. समझे क्या नहीं? मगर ये जो मटेरियल है इसका तो पैसा आपको ही देना पड़ेगा. यस ये क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए अभी. द स्टॉक ऑफ, बाय द वे आई अंडरलाइन दिस, 60 लाख्स, ठीक है, जीरो ईयर का कैश आउटफ्लो रहेगा वो 60 लाख्स. और आगे क्या बोल रहे हैं ये लोग, द एट द स्टार्ट ऑफ ईयर वन लगेगा. द स्टॉक लेवल्स ऑफ मटेरियल्स इज टू बी मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ ईयर वन टू एंड थ्री विल बी 165 लाख्स. टू थ्री एंड फोर ना, नहीं सॉरी, वन टू एंड थ्री, एंड ऑफ ईयर वन टू थ्री कितना स्टॉक मेंटेन करना है? 165 लाख का. मगर ईयर के स्टार्ट में, फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में आपके पास कितना स्टॉक था? 60 लाख का. आप मुझे बताइए 60 लाख के स्टॉक को 165 लाख पे पहुंचाने के लिए 105 लाख का आउटफ्लो करना पड़ेगा. और सेकेंड ईयर में वो आउटफ्लो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपका स्टॉक उधर तक पहुंच चुका है. थर्ड ईयर में भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टॉक उधर तक पहुंचा हुआ है. समझे? और फिर इन्होंने क्या बोला आपको, एट द एंड ऑफ ईयर फोर स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना हो रहा है? निल हो रहा है. इसका मतलब फोर्थ ईयर में 165 लाख का स्टॉक मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है. तो आपका जो पैसा ब्लॉक था स्टॉक में वो फ्री हो जाएगा. तो कहना है इसे जीरो ईयर का आउटफ्लो 60 लाख से, फर्स्ट ईयर का आउटफ्लो वो इंक्रीज इन स्टॉक की वजह से 105 लाख का है, सेकेंड ईयर में कोई आउटफ्लो नहीं है, थर्ड ईयर में कोई आउटफ्लो नहीं है, और फोर्थ ईयर में इनफ्लो आएगा कितने का? 165 लाख का. क्योंकि स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? प्रोजेक्ट खत्म है, लास्ट ईयर है ना वो, फिर उसके बाद स्टॉक क्यों मेंटेन करूं मैं? जितना भी स्टॉक रहेगा वो तो निल हो गया. इसका मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इज फ्री. एक्चुअली ये और कुछ नहीं, वर्किंग कैपिटल है. स्टॉक कितना पार्ट है? करंट एसेट्स. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. तो आपका वर्किंग कैपिटल रिलीज हो रहा है. कल के क्वेश्चन में भी तो वर्किंग कैपिटल 40 लाख का रिलीज हुआ था. क्या किया था आपने उस 40 लाख के साथ? इन्फ्लो दिखाया था आपने. ये भी तो आपको इन्फ्लो ही दिखाना पड़ेगा. समझा? यस. आगे द स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल यूटिलाइज स्पेस विच वुड अदरवाइज हैव बीन रेंटेड आउट फॉर 30 लाख पर एनम. कुछ समझा ये सेंटेंस? इंग्लिश का सेंटेंस समझा क्या? क्या बोल रहे ये लोग? ये जो मटेरियल आप रख रहे हो ना, ये 65 लाख एंड 60 लाख एंड 165 लाख का, इसको स्टोर करने के लिए आपको जगह लगेगी. ये जगह अदरवाइज आप रेंट पे देते थे जिससे आपको रेंटल इनकम मिलता था. कितना? 30 लाख का. तो कहने से इस प्रोजेक्ट की वजह से लॉस ऑफ रेंटल इनकम हो रहा है. यस और नो? तो वो आपका कैश आउटफ्लो कंसिडर करना होगा, लॉस ऑफ रेंटल इनकम. करेक्ट. इसके बाद इन्होंने बोला है लेबर कॉस्ट इंक्लूड्स वेजेस ऑफ फॉल्टी वर्कर्स हुज ट्रांसफर टू दिस प्रोसेस विल रिड्यूस दी आइडल टाइम पेमेंट्स ऑफ 45 लाख इन ईयर वन 30 लाख इन ईयर टू. आई होप यू हैव स्टडीड कॉस्टिंग एंड यू नो द मीनिंग ऑफ आइडल टाइम. मतलब इन शॉर्ट रिकामा बैठा हुआ, सुस्त बैठा हुआ लेबर जिसके पास कोई काम नहीं है मगर आप उसको वेजेस पे कर रहे हो क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है मगर वो आपका वर्कर है. वो काम पे आया है, प्रोडक्टिविटी जीरो है. करेक्ट. मगर अब वो रिकामे वर्कर को तुम क्या करोगे? इस प्रोसेस में डाइवर्ट करोगे और तुम्हारा आइडल टाइम वेजेस सेव होगा. कितने का? 45 लाख का. तो कहने से इसका मतलब वो जो वेजेस था हमारा, वो वेजेस में से ये नेट आउट किया जा सकता है. वो आपका आउटफ्लो है और ये आपका इनफ्लो है. तो नेट वेजेस ले सकते हो ना. फर्स्ट ईयर का नेट वेजेस 225 माइनस 45 लाख होगा. सेकेंड ईयर का वेजेस 225 लाख के वेजेस माइनस 30 लाख का होगा. जेपा? यस. देन इसके बाद क्या बोला जा रहा है यहां पर? फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड अपोर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स. अब आप मुझे बताइए व्हाट इज अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स? ये समझाने की जरूरत नहीं है. आपको पता है फैक्ट्री ओवरहेड्स नाम का एक जनरल इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑलरेडी इनकर हो रहा था. समझ रहे हो क्या? अब
तो ये जनरल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर हो रहा था, इसको आपने अपोर्शन किया इस प्रोडक्ट पर, इस प्रोजेक्ट पर। अगर ये प्रोजेक्ट ना हो तो भी वो एक्सपेंस लगने वाला है, सिर्फ फर्क क्या है, वो सपोज अभी 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो अब इस प्रोजेक्ट की वजह से वो 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। समझे? मुझे बताइए, डिस्ट्रीब्यूट करना अलग हो गया और इनकर करना अलग हो गया। ये इस प्रोजेक्ट की वजह से इनकर हो रहा था क्या? नहीं, इस प्रोजेक्ट पर वो सिर्फ अपोर्शन हो रहा था, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। जीपा, तो ये हमारे लिए क्या बन गया? इररिलेवेंट कॉस्ट। क्यों इररिलेवेंट कॉस्ट है मालूम है आपको? अगर ये प्रोजेक्ट को मैं आगे बढ़ाऊ तो भी ये कॉस्ट इनकर इतना इनकर होगा, और ना भी बढ़ाऊ, मैं रिजेक्ट कर दू तो भी ये जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स उतना इनकर होगा। सिर्फ फर्क क्या रहेगा, अगर तुम ये नया प्रोजेक्ट डाल देते हो तो 4 जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा वो, और अगर ना स्टार्ट करोगे तो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर 3 और 4 कहां लिखा है ये मत बोलो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, समझे क्या? सो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरे लिए क्या बन गए? इररिलेवेंट कॉस्ट। बट आगे क्या लिखा है? एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ ₹90 लाख पर एनम पेएबल फॉर ऑन दिस वेंचर। इसका मतलब इस वेंचर की वजह से कितना इनकर हो रहा है? ओनली 90 लाख का इंश्योरेंस। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड के अमाउंट को गोली मार, सिर्फ उसमें के कितने ले? 90 लाख, जो के इंश्योरेंस का अमाउंट है, और वही तू आउटफ्लो कंसिडर कर। समझा क्यों? आपने कॉस्टिंग में रेलेवेंट कॉस्ट इरेलेवेंट कॉस्ट देखा है। जो कॉस्ट आपके डिसीजन मेकिंग से चेंज नहीं होता है वो क्या है? इरेलेवेंट है। तो कल जाके मैं प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाऊ या ना बढ़ाऊ, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स तो आज भी लग रहे और आगे भी लगेंगे, मगर इंश्योरेंस जो इस वेंचर की वजह से मुझे लेना पड़ रहा है, वो अगर मैं ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाऊंगा तो ही इनकर होगा, अगर ना बढ़ाऊ तो इनकर क्यों होगा? तो कौन सा अमाउंट रेलेवेंट है? इंश्योरेंस का 90 लाख का। समझ गए? तो ऊपर दिए हुए फैक्ट्री ओवरहेड्स को गोली मारो, कंसिडर मत करो। क्या कंसिडर करो फिर? ओनली 90 लाख। क्या चीज का 90 लाख है? वो इंश्योरेंस कॉस्ट। समझ गए कि नहीं आप? देन इनकम टैक्स रेट इज 30%। कैन आई इग्नोर डेप्रिसिएशन? इनकम टैक्स रेट अगर दिया है भाई साहब तो डेप्रिसिएशन इग्नोर करू क्या? नहीं कर सकते आप, बराबर, क्योंकि टैक्स इंपैक्ट होता है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 4 इयर्स आर गिवन टू यू 14% से 3 डेसिमल फैक्टर दिए तो 3 डेसिमल ही लेने पड़ेंगे आपको। एंड एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ इंस्टॉलिंग द मशीन फॉर प्रोसेसिंग द वेस्ट। ऑल कैलकुलेशन शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ योर आंसर। करेक्ट? चलिए अब बताइए मुझे, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आप ले लो आपका सेल्स एज अ कैश इनफ्लो, बराबर है। अच्छा मुझे बोले जीरो ईयर का आउटफ्लो क्या है? अपने फॉर्मेट में अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं? इनिशियल कैश फ्लो, करेक्ट। परचेज प्राइस ऑफ मशीन बोलेंगे, परचेज प्राइस ऑफ मशीन कितने का? 600 लाख कैश आउटफ्लो ये, मगर लेस करेंगे बोरिंग, कितना? 100% बोरिंग है, मतलब कितने का बोरिंग है? 600 लाख। तो इसका इंपैक्ट जीरो हो गया। अब ऐड करेंगे आपका स्टॉक, स्टॉक टू बी मेंटेन है ना, वो 60 लाख का, वो एक तरफा वर्किंग कैपिटल है। और उसके साथ ऐड कर देंगे कॉम्पनसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, बराबर, कितने का? 90 लाख का, करेक्ट। तो ये आपका फाइनल आंसर कितना आता है? टोटल कितना? 150 लाख का कैश आउटफ्लो। कौन से ईयर में आएगा? जीरो ईयर में आएगा। बात समझ में आई सबके? फिर इसके बाद सेकेंड आइटम आएगा आपका इंटरिम का। इंटरिम कैश फ्लो में हर साल के फिगर्स अलग है, मगर आइटम्स ज्यादा है जो कंसिडर करना है। तो नॉर्मली हम लोग ईयर और फिर इनफ्लो फिर आउटफ्लो कॉलमनर फॉर्मेट में लिखते हैं। अब इस कॉलम को बना दो रो और फर्स्ट रो को बना दो कॉलम। फर्स्ट रो क्या होता है? ईयर, उसको बना दो कॉलम, और जो कॉलम्स नॉर्मली हम बनाते थे उसको बना दो रोज। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर्स, एंड
YEARS, ears. 1, 2, 3, 4. समझे? रुपीज इन लैक्स. एंड यहां पर इसका फॉर्मेट क्या रहेगा? सबसे पहले आएगा सेल्स, सीरियल नंबर ले ले क्या? और आसान हो जाएगा ना. ए विल बी सेल्स, बी विल बी योर मटेरियल पेमेंट ना, मटेरियल पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, मटेरियल कंज्यूम्ड, सॉरी मटेरियल कंज्यूम्ड. देन और क्या एक्सपेंस दे रखा है? वेजेस. वेजेस पूरे लेंगे क्या? नहीं, फर्स्ट 2 ईयर्स के आपको क्या करने पड़ेंगे? लेस करके लेने पड़ेंगे. 225 माइनस 45. सी आई एम नॉट सॉल्विंग द आंसर, आई एम सॉल्विंग द लॉजिक, देयरफॉर आई एम राइटिंग द रेलेवेंट पार्ट. ओके, डोंट एक्सपेक्ट आई विल राइट द फिगर्स गिवन इन द आंसर इन द क्वेश्चन, बट जो इंपैक्ट हो रहा है ना आपके मेन एडजस्टमेंट्स का, मैं वो लिख रहा हूं. तो सेकेंड ईयर में क्या होगा? 225 लाख माइनस 30 लाख ना, सेकेंड ईयर में 30 लाख है, बराबर कि नहीं? यस. तो सेकेंड ईयर में ले लो 30 लाख, और थर्ड ईयर के बाद कोई इंपैक्ट नहीं है ना. तो 255 है मगर थर्ड ईयर का, और फोर्थ ईयर का 300 है, करेक्ट? ये आगे वेजेस. डी आइटम विल बी अदर एक्सपेंस, जिसके अंदर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है. ई विल बी फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेना है क्या पूरा? क्या लेंगे? ओनली इंश्योरेंस, ओनली इंश्योरेंस. कितने का? 90 लाख. हर जगह कितना आएगा? ओनली 90 लाख आएगा. ठीक है, सिग्नल का प्रॉब्लम है ये लेक्चर में, बीच बीच में सिग्नल मिस होगा, शायद मेरा ऑडियो आपको पहुंचेगा. वीडियो मिस हुआ तो भी टेंशन मत लो, एक आध 10 सेकेंड बाद वो वीडियो वापस रिज्यूम हो जाएगा, तब तक आवाज के साथ काम चलाओ. फैक्ट्री ओवरहेड्स में सिर्फ इंश्योरेंस लेना है 90 90 90 का. ठीक है, और कोई एक्सपेंस दिया है क्या आपको उधर? यस, डेप्रिसिएशन दिया है. डेप्रिसिएशन भी आप लेस कर दो. नहीं, डेप्रिसिएशन तो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आना पड़ता है. हाँ, डेप्रिसिएशन सेपरेटली ट्रीट करना चाहते हो आप? नहीं, इधर साथ में कर लेंगे, कोई बात नहीं. जनरली डेप्रिसिएशन सेपरेटली मैं कब ट्रीट करता हूं? जब डेप्रिसिएशन के नंबर्स बहुत बड़े हैं और मेरे इनकम के नंबर्स बहुत छोटे हैं, और डेप्रिसिएशन लेस कर कर मुझे लॉस हो रहा है, तब. अदरवाइज मैं इनकम में से डेप्रिसिएशन लेस कर कर ही ट्रीट करता हूँ. हाँ, ऑब्वियसली आंसर सेम आएगा, बट लेंथी बन जाएगा अगर मैं सेपरेटली ट्रीट करूंगा तो. चलो बढ़िया है, तो यहां पर हमारा डेप्रिसिएशन वाला नंबर जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वही लेना पड़ेगा. एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आइटम क्या लेंगे? ये गिवन एक्सपेंस और इनकम तो हो गए जो टेबल में दिए थे, बट उसके बाद आपको जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना था, जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना था उसमें सेविंग हो जाएगा आपका, यस और नो? तो वो लेना पड़ेगा आपको अलग से, यस और नो? आपका 150 लाख का कंपनसेशन आप जो देते थे वो देना नहीं पड़ेगा ना आपको अभी, एवरी ईयर 150 लाख, तो वो आपका सेविंग हो जाएगा ना. तो यहां पर हम क्या बोलेंगे अभी? जी पार्ट. सेविंग इन, बंद हो गया वापस, कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट. सेविंग्स इन कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट. हाँ, टैक्स का इंपैक्ट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा अगर मैं बिफोर टैक्स ले रहा हूं तो, करेक्ट है? अगर मैं बिफोर टैक्स कंसिडर कर रहा हूं तो टैक्स का इंपैक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, क्योंकि ये सबके बाद नेट फिगर आएगा उस पर अपन कैलकुलेट करेंगे टैक्स. इसलिए सेविंग्स इन कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट कितना? हर साल 150 लाख. एवरीबॉडी, एंड एच में क्या आएगा? आपका रेंट जो था ना, रेंट, वो इनकम आपको छोड़ना पड़ रहा है, तो क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ रेंटल इनकम. लॉस ऑफ रेंटल इनकम, ये भी मैं बिफोर टैक्स कंसिडर कर रहा हूं, इसका मतलब इसका भी टैक्स का इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सही है कि नहीं? क्योंकि आप अगर रेंट आउट करते तो उस पर आपको इनकम मिला, इसलिए टैक्स भरना पड़ता.
अब मैं ये आइटम अगर बिफोर टैक्स कैलकुलेशन कंसिडर कर रहा हूं तो मेरा जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उसमें टैक्स कंप्यूटेशन के वक्त इन सभी चीजों का टैक्स बोलो या टैक्स शील्ड बोलो उसका इंपैक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बराबर। और कुछ आइटम छूटा तो नहीं, देख लो एक बार आप अच्छे से। इंटरेस्ट, जो आप लोन ले रहे हो उस पर आप इंटरेस्ट भर रहे हो, इंटरेस्ट भी कंसिडर करना पड़ेगा, करेक्ट है ना। आय पार्ट में इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन एट व्हाट रेट, 14%। तो कैंसिल हो, 600 पर 14% कितना होता है, 84। नेक्स्ट ईयर 600 में से 150 लेस करना पड़ेगा, 450 पर 14% 63। उसके अगले साल और 150 लेस कर 42। लास्ट ईयर में 21। लॉस ऑन लॉस ऑफ रेंटल कितना लोगे हर साल, 30। वो तो सेम ही है ना हर साल, यस 30 30 30। एवरीबॉडी, और कोई आइटम छूटा तो नहीं, अच्छे से देख लो। 150 लाख का लोन पेमेंट, स्टॉक का जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है वो ओके, वो मैं नहीं लूंगा, वो उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों। और एक आइटम नहीं लूंगा, वो है लोन का रीपेमेंट 150 लाख का, वो भी नहीं लूंगा मैं। ये दो आइटम्स मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली एनपीवी स्टेटमेंट में लूंगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट आइटम है, पीएनएल आइटम नहीं है। लोन का रीपेमेंट करने से पीएनएल डेबिट होता है क्या, नहीं, तो लेना नहीं चाहिए, उससे लायबिलिटी कम होती है बस, मतलब बैलेंस शीट आइटम है वो। और दूसरा स्टॉक ऑफ आपका मटेरियल, उसमें जो भी आपका आउटफ्लो या इनफ्लो आ रहा है उसमें मुझे पीएनएल डेबिट करना है क्या, उसको कुछ नहीं करना है। एसेट करंट एसेट्स या तो बढ़ता है या तो कम होता है, तो वो भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। जेपा तो ये सब आइटम्स आ गए आपके। जे वाले पार्ट में मैं क्या लूंगा अभी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बताइए मुझे क्या करेंगे। ए सेल्स है, प्लस करेंगे जी सेविंग्स इन कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट, आपका इनकम है ना, इसलिए ए प्लस क्या होगा जी, जेपा। माइनस करेंगे बी सी डी ई एफ एच, बराबर है कि नहीं, एच के बाद आई भी माइनस होगा, समझे क्या। बस ये कैलकुलेशन करके जो भी नंबर आते हैं वो बराबर लेना पड़ेगा आपको। एक बार जरा ना एक काम कर लो, ये नंबर्स आप निकाल लो भाई, क्योंकि है ना हम लोग इंस्टीट्यूट के मेथड से सवाल नहीं कर रहे हैं। हमारा एंड आंसर इंस्टीट्यूट के साथ मैच होगा, डोंट वरी। वेजेस का नंबर लो हा? बराबर से बोलो, वेजेस का नंबर क्या लेंगे, 180 क्या, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 195, अदर एक्सपेंस का नंबर क्या है, 120, 135, 162, 210, डेप्रिसिएशन के नंबर्स बोलो, 150, 114, 84, 63। अब निकाल लो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डोंट वरी, डोंट कंपेयर दिस आंसर विथ योर गिवन आंसर इन क्वेश्चनर बुक। 372 करेक्ट आंसर बोल रहे ना, 372, 420, 546, 465। रैंडमली कोई भी चेक कर लो करेक्ट है क्या अलग 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 ईयर में। के वाले पार्ट में हम लेंगे टैक्स एट द रेट 30% ऑन जे, बराबर क्या। एल में हम लेंगे डायरेक्टली कैश फ्लो आफ्टर टैक्स CF80। तो टैक्स का कैलकुलेशन कर लो, नंबर्स करेक्ट है 372 से लेकर 465 तक, चेक किया क्या सबने, कोई भी चार स्टूडेंट, बस चार अलग अलग ईयर के लिए सॉल्व कर लो, फोर्थ ईयर का अलग आ रहा है, चेक कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन में एरर रहेगा तो मुश्किल है।
सेकेंड ईयर का 420 नहीं आया, 369 आ रहा है। फोर्थ ईयर का श्योरली 100% लॉक करूं? फोर्थ ईयर का 435 किया हमने, ओके। थर्ड ईयर का करेक्ट है? थर्ड ईयर करेक्ट है क्या? और सेकेंड ईयर करेक्ट है क्या? सेकेंड ईयर का 369 आता है, सेकेंड ईयर का 369 आता है क्या? चेक करो, थर्ड ईयर का भी अलग आ रहा है। अरे भाई साहब क्या किया तुमने, कुछ 486। तो इसलिए मैं बोलता हूं जल्दी आंसर नहीं चाहिए, करेक्ट आंसर चाहिए अपने को। हाय आंसर्स, ओके। अब इस पर लगा दो 30% टैक्स। शॉर्टकट ऑफ कैलकुलेटर आता होगा आपको, 0.3 इंटू 372 इज इक्वल टू 369 इज इक्वल टू 486 इज इक्वल टू 435 इज इक्वल टू। तो फर्स्ट केस में टैक्स कितना है? 116 फर्स्ट केस। अच्छा 111.6 ये टैक्स है। सेकेंड ईयर में 110.7, थर्ड ईयर में 145.8, लास्ट ईयर में 130.5। आया क्या? ओके, सीएफएटी के लिए मैं क्या करूंगा मालूम है आपको? सीएफएटी के लिए मैं सिर्फ इनफ्लो और सिर्फ आउटफ्लो देखूंगा। तो मेरा इनफ्लो क्या है? सेल्स ए प्लस मेरा इनफ्लो क्या है? जी सेविंग्स इन कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट। और मेरा आउटफ्लो क्या है? बी मटेरियल कंज्यूम्ड, सी वेजेस, डी अदर एक्सपेंसेस, ई फैक्ट्री ओवरहेड्स, एफ लू क्या भी नहीं, और एच लॉस ऑफ रेंटल लू ना, यस कितना एच ना, एच माइनस एच किया। इंटरेस्ट लू क्या? यस आय लेना चाहिए। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स लू क्या? नहीं। टैक्स लू क्या? यस टैक्स इज अ कैश आउटफ्लो, इसलिए लेस करना पड़ेगा। तो अब आपको यह कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा करेक्ट। बाय द वे इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व करने से अच्छा डेप्रिसिएशन एडबैक भी कर सकते हैं आप, क्योंकि एक ही आइटम है यहां पर। करे क्या चलो वही कर देते हैं। इतनी मेहनत अभी अभी की है, फिर गलत आंसर लिखने में कोई सेंस नहीं बनेगा। तो हम बोलेंगे जे प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस के टैक्स एडबैक डेप्रिसिएशन एफ, जे माइनस के प्लस एफ। समझे क्या भाई? जे इज बिफोर टैक्स, के इज टैक्स एंड एफ इज डेप्रिसिएशन। तो ये आ गया आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। मेथड वन पे आ गए हम लोग, जो पहले लिखा था और रब कर दिया था वो मेथड टू था। बोलिए जम रहा है कि नहीं? बताइए फर्स्ट ईयर का आंसर 410.4, सेकेंड ईयर का आंसर 372.3, थर्ड ईयर का आंसर 424.2, लास्ट ईयर का आंसर 397.5। ये थे का उत्तर। आ रहा है क्या आंसर? जवाब आ रहे क्या बराबर से? अब यहां पर हमने क्या इग्नोर किया? दो बातें, स्टॉक का इन्वेस्टमेंट और दूसरा प्रिंसिपल रीपेमेंट। करेक्ट, फोर्थ वाला रॉन्ग हो गया। जबरदस्त है भाई, तूफान आदमी हो तुम लोग। बोलिए 367.5 लॉक कर दूं? ओके, नीचे नोट लिखना चाहिए इसके, प्रिंसिपल रीपेमेंट एंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कंसिडर्ड इन एनपीवी स्टेटमेंट। इसके नीचे नोट आना चाहिए, प्रिंसिपल रीपेमेंट एंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कंसिडर्ड इन एनपीवी स्टेटमेंट।
प्रिंसिपल रीपेमेंट एंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कंसिडर्ड इन एनपीवी स्टेटमेंट। डन। अब टर्मिनल कैश फ्लो पर आते हैं। थर्ड आइटम विल बी टर्मिनल कैश फ्लो। कुछ है कि नहीं टर्मिनल? है ना, पर्टिकुलर्स, रुपीज इन लैक्स, बोलिए। तो अपन क्या बोलेंगे, नेट सेल वैल्यू 60 माइनस 45 दैट इज 15 प्लस इन्वेस्टमेंट रिलीज्ड फ्रॉम स्टॉक। कितने का इन्वेस्टमेंट रिलीज करोगे? वेरी गुड, 165 का होगा रिलीज। जबकि ईयर जीरो में तुमने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था? 60 का किया था, मगर फिर 165 का रिलीज होगा क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, बराबर कि नहीं? रिलीज कितने का होगा? 165, दैट्स इट आई गेस, है ना। तो टोटल कितना हुआ ये? 180 लाख टोटल कैश इनफ्लो। ये कौन से ईयर का? फोर्थ ईयर का। अब बना दो आपका एनपीवी स्टेटमेंट। ईयर, पर्टिकुलर्स, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट व्हाट रेट? 14 है। एंड लास्टली डीसीएफ। जीरो ईयर, 1, 2, 3, 4, 1-4 और क्या आएगा इधर? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर आएगा क्या? ध्यान से सुनो अभी मैं क्या क्या कर रहा हूं। फर्स्ट जीरो ईयर का आउटफ्लो बताओ मुझे, इनिशियल वाला। ऊपर वर्किंग देखो ना, कितने का है? 150 लाख। एवरीबॉडी, तो यहां पे मैं कितना लू? 150 कैश फ्लो इन लैक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरिम, हर जगह इंटरिम कैश फ्लो आएगा। फर्स्ट ईयर में कितना लेंगे? 410.4। सेकेंड ईयर में 372.3। थर्ड ईयर में 424.2। लास्ट ईयर में 367.5। ये आ गए आपके इंटरिम के कैश फ्लोज। आ गए क्या बराबर? यहां तक स्टोरी समझी? ध्यान से सुनो, सॉल्व करने की गड़बड़ मत करो, बस कैलकुलेशन, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखकर मल्टीप्लाई करना है, वो तो बच्चा भी कर देता है। आप कॉन्सेप्ट समझो, यहां पर पहले तो 1 लिखकर ये 150 लिख दो, मिस्टेक ना होना चाहिए इसलिए। एंड बताइए अभी 1-4 रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट आएगा ना, यस और नो? तो लिखेंगे यहां पर रीपेमेंट ऑफ लोन। कितने का आउटफ्लो दिखाऊ? 150। और ऑब्वियसली बाजू में पीवी एफ फैक्टर आएगा, जो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आप जो गिवन नंबर है उसको बस ऐड करना है, जो भी है 2.912। आपने कैलसी पे सिर्फ टोटल दिया गिवन फैक्टर्स का। ओके, यस, ये आ गया रीपेमेंट ऑफ लोन। अब इसके अलावा आपका मटेरियल का जो एडजस्टमेंट है वो है, मटेरियल 60 लाख था बट ईयर 1, 2 और 3 में उसको 165 लाख तक मेंटेन करना है। तो कब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? ईयर 1 के एंड में। इंक्रीज इन स्टॉक बोलो क्या? इंक्रीज इन स्टॉक कितने का बोलो? ऑलरेडी 60 लाख का था, 165 पर जाना है, मतलब 105 का एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा।
और इसके सामने ऑब्वियसली 0.877 आएगा फैक्टर. आर यू झेपिंग दिस? आप सबको समझ में आई बात? अब इसके अलावा और कोई आइटम अपन छोड़ रहे होंगे तो बताइए मुझे. सब कुछ समझा अच्छे से? चलो फिर अभी इससे हमारा जो एनपीवी आएगा वो उनके एनपीवी के साथ लगभग मैच होना चाहिए. राउंड ऑफ डिफरेंस छोड़ा तो टर्मिनल का ईयर ले लो बस. आप फोर्थ ईयर टर्मिनल कैश फ्लो कितने का है? टर्मिनल कैश फ्लो आपका ये लिया ना अपने ऊपर 180 लाख, वो ले लो. उसके ये उसके लिए 0.592 फैक्टर आएगा. सॉल्व कर लोगे आप? चेक कर लो आपका आंसर कितना आता है, देख लो. तो आपका आंसर ये जो मॉड्यूल में दिए हुए आंसर है उससे मैच होता है, मगर इनका तरीका और अपना तरीका बहुत डिफरेंस है. हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो एकदम कंसेप्चुअली स्टेप वाइज टू द पॉइंट समझ कर कर रहे हैं. इनके आंसर्स रैंडम है, कुछ ऊपर लिया है कुछ नीचे लिए, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आंसर में क्या कर रहे हैं लोग. तो आपका एनपीवी कितना आया? 577.36 लाख. तो क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे कि ये मशीन को हमने परचेज करना चाहिए. आप नोट लिखोगे कि आपका जो आइडल टाइम वेजेस है वो एडजस्ट किया गया आपके वेजेस में. आपका जो अपोर्शनमेंट वाला पार्ट था जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स वाला वो इग्नोर किया गया बिकॉज वो इरेलेवेंट कॉस्ट है. फिर आपने नोट लिखना चाहिए आपका इंटरेस्ट सॉरी इसका रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्टॉक डायरेक्टली कंसिडर्ड इन एनपीवी स्टेटमेंट. ये नोट्स आने चाहिए थे, ठीक है? इंक्रीज इन स्टॉक एंड रीपेमेंट डायरेक्टली कंसिडर्ड इन एनपीवी स्टेटमेंट. देन तो ये था आपका कैपिटल बजटिंग. एक्चुअली हमारे पास वक्त नहीं है कि हम अगला चैप्टर पूरा कंप्लीट करें क्योंकि आज लेक्चर लेट स्टार्ट हुआ है, बट जितना भी हो सके एक आध क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो भी है अपन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली क्लास में प्रोजेक्टर का कुछ सर्विसिंग है शायद आज. तो कोई बात नहीं, अपन लोग जब तक वो सर्विसिंग वाला नहीं आता तब तक चालू कर रखेंगे, ठीक है? यस रियल टाइम बेसिस बोलते हैं, डाउन टाइम. अच्छा ये नॉर्मल लॉस होता है पता नहीं है. यस में भाई ये इसका अपना तो वैसे भी संबंध नहीं है, कॉस्टिंग तो भी एक बार का ठीक है मैं समझ सकता हूँ. चलो चैप्टर नंबर 8 के साथ शुरुआत करते हैं. आई एम श्योर गाइस कि ये जो आपको डिस्कशन किया ये एकदम फ्रूटफुल था और आपको समझा, ठीक है? यहाँ पे एक कमेंट है सर इसका इलस्ट्रेशन 19 करवाओ ना. सर देखो बेटा अगर मैंने मॉड्यूल से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिया मेरे क्वेश्चनर बुक में, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि आप भी उसको सॉल्व ना करें, आप भी उसको सॉल्व ना करें. एग्जाम में आ जाए बिंदास छोड़ दो, वो मार्क्स आपको नहीं चाहिए. ये सोचकर रिमेनिंग 90 पर फोकस करो. पहले 90 आपके हाथ में आ जाएंगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 19 जो भी आप बोल रहे हो उसमें कुछ ना कुछ पार्ट तो ऐसा रहेगा जो आपको आता है, उसके सॉल्यूशन अलग ही दिया है. तो इसका मतलब ही मतलब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जो भी आपको यहां पर मॉड्यूल के क्वेश्चन यहां पर नहीं मिलेंगे मतलब मैं खुद चाहता हूं कि तुम वो सॉल्व नहीं करो, बिंदास छोड़ो. देखो स्मार्ट स्टडी उसी को बोलते हैं. देयर इज नो पॉइंट कि मैं पूरा सिलेबस का हर क्वेश्चन सॉल्व करूं और फाइनल एग्जाम में मुझे 60 आए, उससे अच्छा मैं सिलेबस के कुछ क्वेश्चन जानबूझ के छोड़ू क्योंकि उसके आने के चांसेस कम. और आ भी गया तो मुझे सॉल्व नहीं करना है, इतना डिटरमाइंड अगर मैं रहूंगा तो मैं रिमेनिंग सिलेबस पर कितना फोकस करूंगा और मेरा रिमेनिंग सिलेबस कितना अच्छे से प्रिपेयर होगा ना. क्योंकि अपन छोड़ रहे तो अपन ये नहीं बोल रहे टाइम पास करो, अपन बोल रहे बचा टाइम इन्वेस्ट करो और बचे हुए क्वेश्चन इतने परफेक्ट करो कि आपको एग्जाम में सब क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए. तो 19th क्वेश्चन वंदना बिंदास छोड़ दो, मेरे भरोसे छोड़ दो, बस आ जाए तो एग्जाम में ही गाली दे देना मेरे को, मगर बचे हुए क्वेश्चन को बराबर सॉल्व करना पेपर को. एंड में आप खुद ही बोल दोगे अच्छा हुआ सर छोड़ दिया, गाली नहीं देते ना, गुड. चलिए चैप्टर नंबर 8 पर आते, ठीक है? और बिलीव मी जो मैं आपको छोड़ने बोल रहा हूं ना ये मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं, ठीक है? चैप्टर नंबर 8 क्या है ये? रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग. फ्रेंड्स एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, सीए फाइनल से शिफ्ट किया गया सिलेबस है, बट
सीए फाइनल में जो टफ पार्ट था वो डिलीट करके शिफ्ट किया गया है, तो उस एक्सटेंट तक आप बोल सकते हो कि आप बहुत लकी हो। इसके अंदर मेनली आप रिस्क एक प्रोजेक्ट में देखते हो, ठीक है। तो एक बेसिक कंसेप्ट समझ लो कि कैपिटल बजटिंग में रिस्क इनकॉर्पोरेट कैसे होती है। रिस्क इनकॉर्पोरेशन इन कैपिटल बजटिंग कैन बी डन यूजिंग टू मेथड्स। कितने मेथड्स हैं? टू मेथड्स, लिखते जाओ मेरे साथ साथ। अभी रिस्क इनकॉर्पोरेशन इन कैपिटल बजटिंग कैन बी डन बाय टू मेथड्स। तो मेरे जैसी सेम आप ट्री डायग्राम बनाओगे। फर्स्ट को बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग फैक्टर मेथड। क्या बोलते हैं बोलो? रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग फैक्टर मेथड। और दूसरा तरीका है सीईसी अप्रोच, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट फैक्टर बोलते हैं इसको, सीईसी, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट फैक्टर अप्रोच। तो फर्स्ट मेथड क्या हुआ? रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग फैक्टर मेथड। पहले कंप्लीट फोकस हम लोग फर्स्ट मेथड पे डालते हैं, उसके बाद हम सीईसी अप्रोच की बात करेंगे। तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग फैक्टर मेथड में क्या किया जाता है, ध्यान से सुनो। प्रोजेक्ट ए, वो इलाइट कुकर वाला क्वेश्चन याद है कल का? तो एग्जिस्टिंग लाइन में मैं एक्सपांशन कर रहा हूं, एक ऑप्शन ये था। और दूसरा ऑप्शन था कि कोई तो नया प्रोजेक्ट प्रोडक्ट बनाओ, याद है आपको? तो मुझे बताओ, अगर आप इलाइट कुकर में हो, मतलब आप खुद वो कंपनी हो, आप एग्जिस्टिंग लाइन में एक्सपांशन करोगे या नया प्रोडक्ट बनाओगे, दोनों का रिस्क इक्वल है क्या? नहीं है बॉस। आप कुकर की कंपनी हो, एग्जिस्टिंग लाइन में एक्सपांशन करोगे तो यू कैन से सर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट्स ज्यादा है और रिस्क कम है। इतनी बात समझ में आई? बट अगर आप नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो तो रिस्क ज्यादा है क्योंकि सर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट्स कम है। तो ये चैप्टर क्या बोलता है कि भाई लास्ट चैप्टर तक तो तुमने गजब कर दिया, एक्सपेंशन हो या नया प्रोडक्ट लाइन हो, दोनों का रिस्क अलग था तो भी तुमने डिस्काउंटिंग फैक्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगा दिया। जबकि दुनिया का उसूल क्या है? हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। तो जब आपको मालूम था कि न्यू प्रोडक्ट लाइन का रिस्क ज्यादा है तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर दिस कॉन्सेप्ट यू शुड हैव अप्लाइड हायर रेट ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर न्यू प्रोडक्ट एंड लोअर रेट ऑफ डिस्काउंटिंग फॉर एक्सपांशन वाला लाइन। समझे क्या? तो ये जो आपका मेथड है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग फैक्टर मेथड, ये बहुत सिंपल लॉजिक बोलता है हायर द रिस्क हायर द डिस्काउंटिंग फैक्टर। हायर द रिटर्न्स मतलब क्या? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज योर डिस्काउंटिंग फैक्टर। समझे? तो लिखो वहां पर हायर द रिस्क कॉमा हायर द डिस्काउंटिंग फैक्टर। यहां तक तो बात समझ में आ गई। बट अब रिस्क हायर कैसे जाने, दो प्रोजेक्ट का रिस्क कैसे जाने कि कौन सा रिस्क ज्यादा है और कौन सा रिस्क कम है? जब रिस्क की बात आती है तो फाउंडेशन का नॉलेज काम में आता है। हम रिस्क जब जब बात करते थे ना फाउंडेशन में, हम बात करते थे स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलते थे हम लोग? स्टैंडर्ड डेविएशन। किसी भी चीज का रिस्क जानना है मतलब क्या करना है, या तो उसका वेरियंस निकालना है या तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सिग्मा बोलते थे ना आप लोग, सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरियंस और सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप आपको उधर तक तो याद है। ओके, तो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का रिस्क जानना हो तो क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे। बट अगर दो प्रोजेक्ट का रिस्क कंपेयर करना है और ये जानना है कि किसका रिस्क ज्यादा है और किसका रिस्क कम है, तो कभी भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं देखोगे, वेरियंस नहीं देखोगे। फिर क्या करेंगे सर? सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो देखना चाहिए आपने। तो यहां पर आप बोलोगे पॉइंट नंबर वन, टू कैलकुलेट रिस्क ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। क्या करेंगे बताओ? इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बोला मैंने, यस, टू कैलकुलेट रिस्क ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट यूज
स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंस, वॉट एवर, क्योंकि दोनों सेम ही है, एक विदाउट स्क्वायर है और एक विद स्क्वायर है. स्टैंडर्ड डेविएशन. नंबर टू, टू कंपेयर रिस्क ऑफ टू प्रोजेक्ट्स या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ऐसा लिखो, रिस्क ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. टू कंपेयर रिस्क ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कॉमा यूज सीवी. व्हाट इज सीवी? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसका फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड. स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू. स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू. सर मगर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन के दो फॉर्मूले हैं, एक विदाउट प्रोबेबिलिटी और एक विद प्रोबेबिलिटी. वो भी लिख लेंगे, डोंट वरी. तो सीवी समझा? अब ध्यान से सुनो, दो प्रोजेक्ट का रिस्क कंपेयर करने के लिए सीवी क्यू यूज होता है, क्योंकि व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? आगे, अरे सॉरी, उनको बोला तो बेटा दो मिनट में छोड़ देंगे. यस, बोलिए. सीवी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. यहां पर हम क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन वैल्यू कर रहे हैं. ध्यान से सुनो, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मेरा डेविएशन फ्रॉम मीन कितना हो रहा है. बोलो एक बार, डेविएशन फ्रॉम मीन कितना हो रहा है? जिस चीज का मीन ही छोटा है उसका डेविएशन भी छोटा होगा, जिस चीज का मीन बड़ा है तो उसका डेविएशन भी बड़ा आएगा ना. फॉर एग्जाम्पल, मेरा इनकम का डेविएशन वर्सेस अंबानी के इनकम का डेविएशन, फर्क है ना. मेरे इनकम का डेविएशन वर्सेस विशाल सर का इनकम का डेविएशन, विनोद रेड्डी सर के इनकम का डेविएशन, भाई साहब डिफरेंस है, बराबर है क्या? तो जिसका मीन वैल्यू बड़ा उसका डेविएशन भी बड़ा. तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सर विशाल सर के इनकम का रिस्क ज्यादा है क्योंकि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है. भाई उनका मीन इनकम ही ज्यादा है. लाइक वी डोंट हैव एनी लाइक इलस्ट्रेशन भी नहीं अपने पास जानने के लिए क्या है, बराबर. तो इनका मीन इनकम ही बड़ा, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा, जिसका मीन इनकम छोटा उनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी छोटा. दैट डज नॉट मीन जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा है उसका रिस्क भी कम है. आपको रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को विथ रिस्पेक्ट टू मीन वैल्यू देखना चाहिए. तो आपको यह फॉर्मूला दिख रहा है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या दिख रहा है? मीन वैल्यू. इसलिए यहां पर फॉर्मूला आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन वैल्यू. ठीक है, सीसी अप्रोच में क्या करते हैं या इसमें कैसे डील करते हैं, ये हम लोग कल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके करेंगे. एवरीडे वी विल एक्सटेंड आवर टाइमिंग बाय 15 मिनट्स नाउ ऑफिशियली. वैसे तो एक्सटेंड था ही अपना पहले. अब आपका क्लास स्टार्ट होगा 5:15 को, शायद उससे पहले भी स्टार्ट हो सकता है अभी तो, क्योंकि जय सर का क्लास नहीं है ना अभी. इससे पहले मेरे पहले किसका क्लास हुआ करता था? लेने वाले थे. ठीक है, मैं 5:15 से स्टार्ट करूंगा 7:15 तक. ठीक है, कोई बात नहीं, 4:30 को क्लास खाली होता है. ठीक है, कल एक दिन क्या करेंगे, 5:15 को स्टार्ट करेंगे और 7:15 तक लेंगे, उसके बाद का बाद में देखते हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो फ्रेंड्स, बाय बाय. ये जो भी हमने किया है इसका डिस्कशन अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो. ठीक है, बाय.